शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी शादी कितना भी दुख दे, कहते उसे शुभ विवाह ही है। और शुभ विवाह करने के पीछे भाई सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। कुछ लोग माँ को आराम देने के लिए शादी करते हैं, लेकिन आराम बहुएं फरमाती हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए शादी कर लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी की गलियों से कभी नहीं गुजरते, लेकिन फिर भी शादी की बिल्ली इनका रास्ता काट ही जाती है। ऐसा ही है हमारा कुमार शिव राम किशन। इसे हंसता मुस्कुराता देखकर आप ये मत समझिए कि ये कुवारा है। ये भी शादीशुदा है। इसकी एक नहीं तीन तीन शादियां हो चुकी है, लेकिन बेचारे की मर्जी के बगैर। बात एक साल पहले की है, तो आइए देखते हैं वो पहला हादसा। Are you okay? मैं ठीक हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस हैं। ये दवाई मैं उन्हीं के लिए ले जा रही थी। Can you please help me? No problem. आप घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ। आपकी बेटी आ गई। दवाइयां आ गई अंकल, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कुछ हो भी जाए तो गम नहीं, एक ही चिंता थी मेरे मरने से पहले मेरी बेटी का हाथ किसी काबिल आदमी के हाथ में देकर जाऊं। जी खैर जी। इसका ख्याल रखना। हैं जी। हेलो अंकल, भाई साहब, हेलो पापा जी। ये अब कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी सुन तो सकते हैं ना। हेलो पापा जी। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। अरे ऐसे कैसे मर सकते हैं, अभी तो जिंदा थे। पापा 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 नो। बहुत ही भाग्यशाली थी जो बेटी का कन्यादान करके गए। कन्यादान? किसका कन्यादान? हाँ बेटा, तुमने एक मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा पूरी की है। मैंने नहीं किया कुछ। देखो कैसे हंसते हंसते निकल लिए। तुम बहुत महान हो बेटा, ये लो शगुन। अरे भाई आप लोग भी आकर शगुन दे दो। शादी की बधाई में 45 रुपए, एक दो केले, 2.5-3 संतरे, कुछ चिल्लर और एक सलाइन की बोतल मिली थी। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन आदमी का वक्त बुरा हो तो आइसक्रीम से भी मुंह जल जाता है। और हमारे कुमार शिवराम किशन को तो शादी की आइसक्रीम खाने का शुरू से ही शौक है। फिर पहुंच गए अपने दोस्त बल्लू की शादी में। ये कितना दे देती है भाई साल में? मतलब नहीं, मेरा मतलब एक सीजन में कितनी शादी निपटा देती है। अरे साहब बहुत लकी घोड़ी है, जो हाथ रख देता उसकी शादी करा देती है। इस घोड़ी का नाम है ले भागो घोड़ी। नहीं भाई, मेरी शादी नहीं करवानी, मेरे दोस्त बल्लू की करवानी है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हमेशा कहता था मैं कनाडा जाके सेटल हो जाऊंगा, पर बेचारे के पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा भाई शादी करके यहाँ सेटल हो, अपनों के बीच में रहेगा। आज देखो
उसकी शादी हो रही। कुमार कुमार क्या हुआ जोजो भाई? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हो गया? मेरा भाई बल्लू शराब पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो अब क्या करें भाई? अब तुम ही मुझे बदनामी से बचा सकते हो। ये सेहरा पहन के तुम घोड़ी पे बैठ जाओ। भाई लेकिन मैं बल्लू की जगह कैसे ले सकता हूँ? अरे शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर की बात है। बारात लड़की वालों के घर पहुंचेगी, उससे पहले मैं उस नाला को छुड़ा के ले आऊंगा। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ मत जोड़ो भाई, पर प्लीज प्लीज पर टाइम पे आ जाना। मैं यूं गया और यूं गया। भाई आराम से चलना, तेरी शादी है क्या? जल्दी किस चीज की है? बात नहीं, आराम से चलना। हेलो यार, मैं तो लड़की वालों के यहाँ पहुंच भी गया, आप लोग कब आ रहे हो? अभी हम लोग बस पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे। जल्दी आ जाओ। ओके। अरे बल्लू तूने मोबाइल तो ऑफ रखा है ना? हाँ भैया। चल चल बैठ, जल्दी बैठ। अरे भाई साहब एयरपोर्ट। मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्या को बुलाइए। अभी बुलाता। हे भगवान, ये तो फेरे शुरू करने वाले हैं, इसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ओम रियानंतवा। जजमान फेरे शुरू कीजिए। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे जरा? अब जल्दी देखिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये देखिए, आप हैरान नहीं हुई? मैं हैरान क्यों होंगी? क्योंकि मैं बल्लू नहीं हूँ। मुझे पता है आप बल्लू के दोस्त हो। वही तो, आपकी शादी तो बल्लू के साथ होनी है ना? बल्लू ने मुझे आप ही की फोटो दिखाई थी और मैंने तो आपको फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बल्लू ने आपको मेरी फोटो दिखाई थी? हाँ, और आपके बिजनेस के लिए जो 50 लाख रुपए चाहिए थे वो हमी ने भिजवाए थे। 50 लाख? हाँ। बल्लू निकल गया साला कनाडा। देखिए मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? सारे मेहमान आ चुके हैं। तो इन्हीं में से कोई ढूंढ के आप प्लीज कर लीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। देखिए मेरे साथ ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है। हादसा तो मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं एक मॉडल हूँ, रंप पे चलते हुए एक्सीडेंटली ऑल माय क्लोथ्स केम ऑफ। उसकी वजह से इतनी बदनामी हुई है कि मेरी 3 शादियां ऑलरेडी टूट चुकी है। अब आप प्लीज ऐसा नहीं कहिए, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसी हवन में कूद के अपनी जान दे दूंगी। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आप मेरी भी प्रॉब्लम समझिए। आप मेरे साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं, मगर मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ। ओ हेलो, कर भला तो हो बुरा, यही शिवराम किशन की जिंदगी में होता आया है। लेकिन उसके बाद भी कहां सुधरने वाला था ये? अब तक खुद आगे बढ़कर दूसरों की मदद करता था, इस बार सामने से कोई मदद मांगने आ गया तो क्या करता बेचारा? हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प मी, वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अरे ऐसे कैसे पड़े, शहर में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? चलिए मैं देखता हूँ। 10-15 है। 10-15 पीछे पड़िए आप, जल्दी चल चल पीछे कर। हाँ चलो। हेलो हेलो अनिल, मैं अपनी शादी छोड़कर भाग आई हूँ। तुम्हें किसने बोला था भागने के लिए? क्योंकि वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे। तुम्हारी शादी कहीं भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हो तुम अनिल, कल तक तो तुम मुझे इतना प्यार करते थे। क्योंकि कल तक मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम एक डॉन की बहन हो। सो प्लीज इट्स ओवर। अनिल अनिल प्लीज ऐसा मत करो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? जस्ट गो टू हेल। हेलो हेलो, देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज रो मत। देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? ओ क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? नीचे उतरो, जस्ट लीव मी, नीचे उतरो, मुझे मर जाने दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो क्या करूं? एक लड़का तुम्हें छोड़ के भाग गया इसलिए मरना चाहती हो? मरने की सिर्फ एक वजह ना तुम्हारे पास, लेकिन जिंदगी जीने की कितनी वजह हो सकती कभी सोचा तुमने? तुम उसके लिए जी सकती हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी आंखों में आंसू देख ना पाए, जो एक बार तुम्हारा हाथ थामे जिंदगी भर ना छोड़े। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अब किस मुंह से जाऊंगी मैं? तेरा भाई वो मुझे जान से मार डालेगा। भाई ये तुम्हारा जल्लाद तो नहीं है ना? मैं बात करूंगा उससे। टाइगर भाई? भैया
ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। ये हैं टाइगर भाई, इस शहर के मशहूर डॉन। सारा शहर इनके नाम से कांपता है। ये एक ही चीज से नफरत करते हैं, वो है दहेज। ये दहेज मांगने वालों से दुगना वसूल करते हैं। ये दिन दिखाए तूने अपने भाई को, घर चल। इस शहर में लोग मुझसे डर कर भागते हैं, लेकिन तू भाग गई तो मैं डर गया। मेरा गुस्सा तेरी खुशी से बढ़कर है क्या? वही होगा जो तू चाहेगी। बिल्कुल सर, मैं भी इसको इनको यही समझा रहा था कि भाई कभी बहन का बुरा थोड़ी ना चाहेगा सर, पर आप तो रिश्ते में भाई हैं और वैसे भी भाई हैं। अंजलि, तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ भागने की नहीं, घर बसाने की जरूरत है। हाँ। मुझे ये लड़का पसंद है। क्या? अरे अरे हटिए यार, मुझे उनसे बात करनी जरूरी। वो किसी की नहीं सुनते। अरे मेरी सुननी पड़ेगी भाई साहब, नहीं तो गजब हो जाएगा यार। टाइगर भाई तो भरे सुनेंगे कैसे? टाइगर भाई देखिए, आपकी बहन जिस लड़के के लिए भागी वो लड़का मैं नहीं हूँ। देखिए, मैं सड़क पे जा रहा था और आपकी बहन भाग रही थी, और उसके पीछे पीछे आपके गुंडे जो आपका स्टाफ है वो था। तो मुझे लगा ये गलत आदमी, उनसे बचाना चाहिए, तो मैं तो उल्टा उसे सुसाइड करने से बचा कर लाया हूँ। मेरे को माफ कर दीजिए सर, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अरे तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ के तो मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। सर आप समझे नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी दो बीवियां बैठी हुई है सर। हाँ हाँ, इसी मंडप में तुम्हारी शादी होगी। जितनी जल्दी तुम्हें है उतनी जल्दी मुझे भी है। देखिए देखिए सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। मेरा आपकी बहन के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। आप दहेज नहीं लोगे? कितनी अच्छी बात है, दहेज के खिलाफ तो मैं भी हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस घर में बहन एक है और बंदूक के बहुत। पंडित जी शुरू करो। इस तरह हादसों में कुमार शिवराम किशन की 3 शादियां हो गई। के नाम से जाना जाता था, फिर क्या, फिर मेरी शादी हो गई। वो भी एक बार नहीं 3 बारी हो गई, चारों ओर से बमबारी हो गई, मुझ विशन की नजर भारी हो गई, भगवान ये तो गद्दारी हो गई। दूसरों के चक्कर में मैंने अपने दिल को तोड़ दिया, मैंने अपनी प्रेम कहानी को जी राम भरोसे छोड़ दिया। देख रब्बा फंस गया।
पत्नियों के भाग्य से आज इसके पास बिजनेस भी है और पैसा भी, अगर नहीं है तो दिन का चैन और रात की नींद, जिसे ढूंढने के लिए हमेशा मेरे पास ही आता है। गौर से देखिए इस आदमी को, चेहरे से मासूम दिखने वाला ये आदमी तीन तीन बीवियों का पति है। इसकी बीवियां आपस में ना मिल जाएं, इसलिए इसने एक को बोरीवली, दूसरी को अंधेरी और तीसरी को बैंड्रा में रखा हुआ है। इसने तो घर पे ये भी बोला हुआ है कि एक रात घर पर और दो रात ड्यूटी पर रहता है, जिससे कि ये एक एक दिन अपनी बीवियों के साथ गुजार सकता है। पकड़ा ना जाए इस डर से इसने अपनी तीनों बीवियों के फोन नंबर हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और एरिया ऑफिस के नाम से सेव किए हुए हैं। तीन ऑफिसों की यार्ड में तीन घर चलाने वाला ये प्राणी खुलेआम घूम रहा है। कैमरामैन करण के साथ मैं खुद। हो गई तेरी शूटिंग? भाई मजाक कर रहा था यार। मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी, तुझे मजाक सूझ रहा है? यार तीनों बीवियां बोलती है कि दो रात भले ऑफिस में रहे, लेकिन ऑफिस जाने से पहले हमें गुड मॉर्निंग बोल के जाओ, बाय बाय बोल के जाओ। तीनों को गुड मॉर्निंग किसी चाहिए। अब एक किसी के चक्कर में मुझे 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। साला आदमी से लोकल ट्रेन हो गया हूं मैं, समझ में नहीं आता किस किस को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं मैं। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो तीनों को एक ही जगह रख ले। एक ही जगह? तेरे को वकील किसने बनाया झंडूलाल? अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी। मैं तेरे को कौन सा कह रहा हूँ कि एक ही घर में रख, एक बिल्डिंग में रख ले, अलग अलग फ्लोर में रख ले। तो अलग अलग फ्लोर में पता नहीं चलेगा क्या? तू जतिन मात्रे को जानता है? नहीं, उसकी भी तीन बीवियां क्या? नहीं, वो इतना बेचारा भी नहीं है, उसकी एक ही शादी हुई है, लेकिन वो तेरे बैंड्रा वाली बिल्डिंग में तेरी फ्लोर पे रहता है। अच्छा? हाँ, जब तेरे को यही नहीं पता कि तेरी बिल्डिंग में तेरे फ्लोर पे कौन रहता है, तो तेरी बीवियों को अलग अलग फ्लोर के बारे में टट्टू पता चलेगा यार। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में तीन तीन फ्लैट मिलना कौन सा आसान काम है? मेरी जान, ये मुंबई है, यहाँ पे सब होता है। वो देख, देख रहे कॉकटेल टावर, नई बिल्डिंग बनी है, तीन छोड़ तेरे को 10 फ्लैट मिल जाएंगे। जिसने भी तेरे को वकील बनाया ना बॉस, ठीक ही किया उसने। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे तीनों बीवियां और सबसे ऊपर तू। मैं क्यों? अब तेरे से मिलने के बहाने तीनों को मिल लिया करूंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। यार एक तो मेरे को वैसे ही केस नहीं मिल रहा, तू ऊपर से और खर्चा कर रहा है। मैं करूंगा खर्चा, रोक ही रहा है यार। वेलकम टू कॉकटेल टावर, वेलकम टू कॉकटेल टावर। मेरी जान, मेरी एडवाइस से शिवराम किशन ने कॉकटेल टावर में 3 फ्लैट तो ले लिए। अब देखते हैं कितने सुकून से कटती है इसकी जिंदगी। दो बीवियां सेवा करती हैं और ये करवा रही है, चलो जो भगवान को मंजूर। सिमरन मैं लेट हो रहा हूं यार, मैं पूरे साल में उतना नहीं नहाता जितना तुम एक दिन में नहा लेती हो। घिस जाओगे किस दिन? चाय भी Hot tea or me? सुटी, तुम मेरा ऑफिस जाना मुश्किल कर देती हो। तो क्यों जाती हो मुझे छोड़कर? Come on, Shiv. थोड़ा तो रोमांटिक हुआ करो। थोड़ा थोड़ा करके मेरा बहुत हो जाता है। मतलब तुम थोड़ा थोड़ा करके बहुत प्यार देती हो ना, क्या बताऊं तुम्हें? बताऊंगी तुम्हें। It's just a trailer. Bye. जाने दो। काम वाली भाई पीछे। चंपा, तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती? आप लॉक करके नहीं कर सकते? पहले बेडरूम साफ कर। नहीं, पहले मैं किचन ही करेगी। बेडरूम में बहुत टाइम लगता है, बहुत गंदा होता है बाबा। वैसे भी पुराने सा। रहने दे छोटी, लगता है चंपा का मूड कुछ ठीक नहीं है, फिर कभी सही। और वैसे भी तुम तो 24 घंटे मूड में रहती हो। तो मैं करण से मिलकर निकलता हूँ। ओके, ओके, बाय। बदतमीज। नहीं नहीं, बदतमीज। 6th floor. हाय। क्या जानू, तुम सारा दिन वीडियो गेम खेलती रहती हो। तो क्या करूं, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं होता है। ये इतना बड़ा घर मेरे अकेले के लिए लिया है क्या? ऑफ कोर्स जानू, हम दोनों के लिए लिया है। हम दोनों तो एक रात साथ होते हैं, बाकी दो रात तो तुम्हारी ड्यूटी होती है। अरे कहने को ड्यूटी होती है जानू, होता वाइफ के साथ ही हूं। क्या मतलब, हर समय तुम्हारा ख्याल जो रहता है जानू।
राम, तुम्हें नहीं लगता घर में एक बच्चा होना चाहिए? बच्चा किसका लाएंगे जानू? किसी और का नहीं बाबा, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा बच्चों से खेलने का बड़ा मन करता है। इतनी बड़ी होगी बच्चों के साथ खेलोगी? तुम ना कुछ नहीं समझते, रहने दो। इससे अच्छा है मैं सोसाइटी की लेडीज से मिलके ही अपना टाइम पास कर लूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सोसाइटी की औरतों से मिलोगी? यहाँ पे कोई किसी को नहीं मिलता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए तो यहाँ पे आया मैं। ये बगल वाली बिल्डिंग में तुम्हें पता क्या हुआ? एक औरत साबुन बेचने आई, सर पे डंडा मार के सारे गहने लूट के ले गई। औरतों से तो दूर ही रहना तुम। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे बीच कोई और आए। कितने पॉसेसिव हो तुम मेरे लिए। वो तो हूँ बेबी। आई लव यू नो। आई लव यू टू। तो मैं चलूं फिर? नो। तो ठीक है मैं फिर चलता हूँ। नो। ठीक है मैं फिर चल ही पड़ता हूँ। ठीक है जाओ। ओके बेबी बाय। बाय। लेट्स रॉक ऑन फोर्थ फ्लोर। यस सिमरन अंजलि जोगी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अब आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। क्या करूं डार्लिंग, पहले हेड ऑफिस, फिर ब्रांच ऑफिस, अब एरिया ऑफिस। एरिया ऑफिस? तुमसे मिलने के बाद जाऊंगा ना। कितना काम करते हो तुम, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो। भगवान ऐसा पति सबको दे। हाउ स्वीट। देखो आज खाने में क्या है। अरे वाह, खीर पूरी छोले माय फेवरेट। कहां से ऑर्डर किया? किसी होटल से नहीं मंगवाया, मैंने बनाया। तुमने? तो हमारे घर में कौन सी काम वाली बाई है? डोंट वरी डार्लिंग, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें अच्छी सी बाई। वैसे किस खुशी में बनाया आज ये सब कुछ? भूल गए ना, आज पूरा एक साल हो गया। ओ गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारी शादी को एक साल हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। नहीं, हमारी एनिवर्सरी के लिए नहीं बनाया मैंने, पापा की बरसी के लिए बनाया। ओ, वो भी तो आज ही के दिन इस दुनिया से चले गए थे ना। हाँ वैसे भी उनकी बरसी में और मेरी शादी में ज्यादा फर्क नहीं है, उधर वो टपके इधर मैं लटक गया। क्या? भले आदमी थे, आई एम मिसिंग हिम। रुको, पहले अपने हाथ से पापा को भोग लगा दो। पापा? हाँ, मैंने उनकी फोटो लगाई है, वो देखो। ओ, कैसी लग रही है? वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है मेरे पे हंस रहे हैं। पापा को भूख लगा दो। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। तो बड़ा हंस रहा है 8-8 इंच के दांत निकाल के। उस दिन अगर 5 मिनट रुक जाता तो मैं बच के निकल लेता, लेकिन नहीं, हाथ में हाथ दिया और एग्जिट। तो कन्यादान करके नहीं गया मेरी लाइफ का? क्या भूलू तुझे मैं, मेरी लाइफ की भेलपूरी बना के भेलपूरी खाएगा? क्यों बुड्ढे? क्यों बुड्ढे? क्यूट बुड्ढे, ऐसे बुड्ढे मार्केट में मिलते कहाँ? फिर बुड्ढे? पापा डार्लिंग, तुम एक काम करो, पापा खाना खिलाओ, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे लेकिन पापा का प्रसाद तो खा के जाओ। प्रसाद शाम को खा लूंगा डार्लिंग, बाय बाय। मैं खुद प्रसाद बन के जगह जगह बट रहा हूँ, इसको प्रसाद की पड़ी है। में हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, इन 3 गले पड़ी बीवियों के अलावा शिव राम किशन की एक गर्लफ्रेंड भी है, दीपिका, जो बहुत ही धार्मिक है। Hey yo, party people, make some noise! Yeah, it's your boy Zeus on the decks, and the next song is going out to sweet Deepika, bum bum baby all the way. पीके करेंगे हम फन, बम 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 बोले बम बम बम।
सबको जाते बाबा जी की बूटी भी कसट हो जाते इस फ्राइडे नाइट को अच्छे बच्चे घर नहीं जाते बोलो बम 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 बोले बम 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 बोलो बम 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 बोले बम 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 लाउड म्यूजिक बटन के लगाते मैंने तुम्हें कितना मिस किया? क्या मिस किया हाँ? एक साल बाद लंदन से आई हूँ तो मुझे लेने एयरपोर्ट तक नहीं आए। अब क्या बताऊँ दीपू काम में कितना बिजी रहता हूँ। तुम्हें पता है एक साल में मेरे तीन तीन ऑफिस हो गए। वाह कुमार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। डैड भी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं तुम्हारे डैड को दिखाने लायक नहीं मेरे ऑफिस। मतलब तुम्हारे डैड इतने बड़े बिजनेसमैन है उनके सामने मेरे तीन ऑफिस क्या है। मैं तो चाहती हूँ तीन क्या तुम्हारे दस ऑफिस हो जाए। भगवान का वास्ता है प्लीज ऐसे मत बोलो। क्यों अरे फिर तुम्हें टाइम कैसे दूंगा दीपू। सिर्फ टाइम नहीं मुझे तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें पता है दीपू भगवान ने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दे रखा है पर अगर मैंने भगवान से अपने लिए कुछ मांगा है तो वो तुम हो। आई लव यू कुमार। और डैड से मिलने कब आ रहे हो। अरे डैड को मिल लेंगे कभी भी मिल लेंगे। कभी नहीं आज अभी। एक काम करो पहले अपने डैड को मेरा अच्छा सा फोटो दिखाओ अगर फोटो रिजेक्ट हो जाता है तो हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे सिलेक्ट होने के लिए। देखो बेबी कहना है कि फेस टू फेस बेइज्जती अच्छी नहीं लगती है। तुम डैड को मजाक में मत लेना उनकी फिलॉसफी कुछ और ही है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हो। हाँ सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। डिग्री ठीक है अपने लाइफ पार्टनर का फोटो लाए हो। नहीं सर फोटो तो नहीं है सर। वही तो इम्पोर्टेंट है हमारे सेठ जी का उसूल है डिग्री बाद में कैरेक्टर पहले। यहाँ के हर स्टाफ के टेबल पे लाइफ पार्टनर का फोटो होना जरूरी है। आई बात समझ में। जी सर। जाओ अपने लाइफ पार्टनर का फोटो लेकर आओ। सॉरी सर। आज फोटो लाई हो। जी सर मैं लाई हूँ। ठीक है आप रुके सेठ जी पूजा कर रहे हैं आपको बुलाएंगे। डैड अंदर है। हाँ अंदर है पूजा कर रहे हैं। मुझे लेडीज क्लब के परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है। कुमार की फोटो रख के जा रही हूँ अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो देख लेना। हाँ वो अरे तू चली गई। ओहो दीपिका को रोको। वो तो चली गई सर। ओह गॉड सर इंटरव्यू के लिए लोग आ गए हैं भेज दूँ। हाँ भेजो भेजो। फिर से नाराज हो गई है।
May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Please have a seat. Thank you, sir. वो आपने कहा था ना अपने फियांसे की फोटो लाने के लिए, तो मैंने सॉरी सर जी सर, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। करता क्या है ये लड़का? ये सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं सर। पक्का इससे ही शादी करने वाली हो? जी सर। ठीक है, ये फोटो ले जाओ, अपनी डेस्क पे लगा के रखना। यस सर। सुनो, फोटो बदली तो नौकरी भी बदलनी पड़ेगी, याद रखना। नहीं सर, फोटो नहीं बदलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू विकी, मुझे तुम्हारी वजह से नौकरी मिल गई। ये कौन है? फोटो बदली तो नौकरी भी बदलनी पड़ेगी, याद रखना। नहीं, फोटो नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जान, बेबी। ओए अंकल, ओए अंकल, इस उम्र में लड़की को छेड़ तो शर्म नहीं आती क्या? इधर। मेरी बेटी है। स्वीटू, अरे कितना दौड़ा है ये बेटा? 2 मिनट और रुक जाती, मेरी पूजा बस खत्म ही होने वाली थी। 2 मिनट? पूरे 2 घंटे पूजा करते हो आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतनी देर तक मांगते क्या हो? तेरी खुशी मांगता हूँ भगवान से, और क्या मांगूंगा बेटा। अच्छा, तो फोटो देखी आपने? भगवान की फोटो तो रोज देखता हूँ। भगवान नहीं, तो? कुमार की फोटो नहीं देखी ना? नहीं, सॉरी बेटा, फोटो में क्या रखा है? एक काम करोगी, कल उसे अपने घर बुला लो, फेस टू फेस मिल लेंगे। पक्का? पक्का। इंक्वायरी ऑफिस से फोन है। अभी चौथा ऑफिस कौन सा है? तुम मत उठाना, मैं देखता हूँ। तुम भागकर तो ऐसे आए हो जैसे गर्लफ्रेंड का फोन आया हो और मैं ना उठा लूँ। तुम औरतों का यही प्रॉब्लम है, तुम्हें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ सोचता नहीं है ना। आज मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? क्या? कपड़े निकाल दोगे? रियली? मेरे अलमारी में से। पकड़ो फोन। हेलो। कितना टाइम लगाते हो फोन उठाने में? अरे मैं काम में फंसा हुआ था। छोड़ो ये सब, आज डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है शाम को। अच्छा ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। ओके बाय। अरे ऐसे कैसे बाय? इतनी अच्छी खबर सुनाइए, किस पे नहीं दोगे? लिसन, मैं फोन नहीं रखूंगी। गिव मी अ किस नाउ। ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। रियली? इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आई और तुम्हें असाइनमेंट मिल गया। वैसे भी इस ड्रेस में बड़े हॉट लगते हो तुम। चंपा, तू हमेशा गलत टाइम पर आती है। अपने आने का टाइम बदल। आप अपना टाइम बदली करो, मेरे को तो यही टाइम जमता है। मैं ये ब्लैक मैजिक पहन के आऊं? श्योर। ओके। चंपा, तू है ना 1 घंटे देरी से आकर, मैं तुझे 500 रुपए ज्यादा दूंगी। मैं तुमको 1000 रुपए देगी, कभी तो अपनी चुम्मी पूरी करो। ये पाई भी ना। हाय जानू। हाय, देखो तो कौन आया है। ये क्यों है? क्यों मतलब? कब आए? भैया प्रणाम। टाइगर भाई, टाइगर भाई। अरे आओ भाई आओ, बड़े दिनों बाद। चेहरा एकदम पिचक गया, कुछ रनिंग वनिंग कर रहे हो क्या? नहीं भाई, बस दिन में 10 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते रहते थे। असल अरे तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है यार, जीजा हो तुम हमारे। हाँ जो चाहिए ला कर दूंगा। मैं मांग नहीं रहा था, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाला। मैं सोच रहा उनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीढ़ी ला के दूं। पर सचिन गाता कहाँ है? तो ये सुनता कहाँ है? अरे तुम लोग झगड़ो मत, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। ये छोटा नहीं पड़ेगा हम दोनों के लिए? चुप करो,
ये हमारे लिए नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के लिए है। मामा एक है लेकिन अरमान बहुत। भैया भी इस घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं। बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं? बच्चे के बाप की तो आज तक सुनी नहीं। अचार ये घर का है, अच्छा है। सुना लो किलकारी। तुम ना हमेशा ये सब। अरे मजाक करता रहता हूँ जानू। अंजलि इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, तब तक हम बैठ के कुछ बातें बातें करते हैं। जी भैया अभी लाई। बैठो जी। और सुनाओ। सुनाओ। कीड़े पड़ेंगे आपको, साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तुम्हें पता तुम में और नीचे वाले बुड्ढे में कोई फर्क नहीं है। वो साला नीचे हसस के खीर पुड़िया खा रहा है। हाँ। यहाँ तुम हसस के लस्सी पराठे खा रहे हो। हैं? मेरा खाना हो गया, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। डाइट पे हो? तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल लो। तुम्हें पता तुम्हारे चक्कर में तीन तीन बीवियां हो गई मेरी। नहीं तीन नहीं, बच्चे सिर्फ दो अच्छे होते हैं। लो शर्म आ गया, कितनी बातें करता है, he's so funny। तुम लोग इसको बताते नहीं, इसको सुनाई नहीं देता। उन्हें पता है पर वो दूसरों के सामने जताना नहीं चाहते कि वो सुन नहीं सकते। अच्छा अच्छा। टेंशन मत लो, इस घर में खुशियां बहुत जल्द आने वाली हैं। ऊपर वाला सबकी सुनता है। ऊपर वाला तो सुन लेता है, आई नो। अरे मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ओके बाय अंजलि। बाय भैया। ये कब से ऐसे हैं विदाउट साउंड सिस्टम? एक्चुअली एक बार भैया बंदूक से कान साफ कर रहे थे और गलती से गोली चल गई। डॉक्टर ने जान तो बचा ली पर कान नहीं बचा पाया। अरे रोक क्यों रही है जानू? ओह शिट, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। चलो जल्दी से चेंज कर लो। हाँ, नहीं नहीं क्यों, चेंज क्यों, मैं साफ कर लूंगा ना। अरे नहीं क्या नहीं, अरे मैं साफ कर लूंगा ना बाबा। अरे चेंज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दिस इज लुकिंग सो नाइस, और देखो मैचिंग भी हो गया। हाँ, वो तो है लेकिन ऊपर वाली को क्या जवाब दूंगा? ऊपर वाली? ऊपर वाले को उसके सामने कैसे जाऊंगा जब कहेगा कितना प्यार करने वाली बीवी मिली है और मैं उसको टाइम नहीं देता हूँ, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ओह हाउ स्वीट। हाँ स्वीट। कहना टाइम क्या, तुमने तो उसे अपनी पूरी जिंदगी दी है। हाँ। छोड़ो ना, कितना गले लगोगी अंजलि? अंजलि गीतांजलि। मैंने तो अंजलि सुना। वो गीता अंदर रह गया, अंजलि बाहर आ गया, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए गीतांजलि से शॉपिंग करें। ओह मैंने सोचा तुमने पहली बार नाम लिया और वो भी गलत। देखो नाम लेते गलती होगी ना, इसलिए मैं प्यार से बुलाता हूँ, डार्लिंग स्वीटू जानू। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। हाँ बोल भाई, अब क्या टेंशन है? थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, सिमरन ने जो मुझे शर्ट पहनाई थी ना वो अंजलि ने बदलवा दी है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिमरन ऊपर से देखेगी तो उसको शक हो जाएगा, तू थोड़ा संभाल लेना यार। ओ हेलो, लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे संभाल ना यार। ओ यार लेकिन मैं क्या। कपड़े कैसे बदल गए? भाभी भाभी मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना पेपर्स दे देना, मैं टेस्ट करा दूंगा। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शिव यहाँ से ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गए थे और मैंने अभी नीचे देखा तो उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मतलब आपको ब्लैक शर्ट ब्लू दिखी? दिखी मतलब वो ब्लू ही थी। नहीं भाभी वो ऐसा होता है, आपने तो साइंस पढ़ी होगी। नहीं। अरे सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। भाभी जो आसमान होता है वो ब्लैक कलर का होता है, करेक्ट, लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देता है। डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है भाभी। पर इतना भी डिस्टेंस नहीं था करण। मैं तो कहता हूँ जरा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके और राम के बीच में। राम नहीं शिव। शिव राम कृष्ण सभी एक ही तो है भाभी, और आपके बीच में तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं। और जहाँ डिस्टेंस होता है वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार होता है, जहाँ इकरार होता है वहाँ शक की गुंजाइश नहीं होती। तो भाभी मुझे पेपर दे दो ना, मेरे टेस्ट कराने हैं। ठीक है। देखा चंपा, भाभी को साइंस समझ नहीं आती है, तुझे समझ आया? मेरे को समझ में आया, लेकिन हमारे गुप्ता जी की मिसेज नहीं क्या, उनको नहीं आया। एक दिन ऐसे गुप्ता जी का शर्ट बदली हो गया था तो नीचे फेंक दिया। शर्ट को? नहीं गुप्ता जी को। देखा, अगर उनकी मिसेज को साइंस समझ आती ना आज गुप्ता जी बच जाते। साइंस बहुत जरूरी है बाबा।
मम्मा डैड ऐसे क्या देख रहे हैं? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे डैड, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस है इनका, किसी बिजनेस मैगजीन में फोटो देखा होगा। हाँ करेक्ट, फोटो ही देखा है मैंने। यस, फोटो कहाँ देखी है? कहीं तुम शादीशुदा तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हैं सर, शादी कभी थोड़ी सी भी नहीं हुई शादी। ये आजकल के नौजवान इतने टेंशन में रहते हैं कि कवारे होते हुए भी शादीशुदा दिखते हैं। टेंशन मतलब अब होने वाले दामाद हो मेरे, लड़का मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू डैड, लव यू। हमारे जमाने में लड़कियां अपनी शादी की बात सुन के शर्म के मारे भाग जाती थी, और आजकल तो सर लड़कियां घर से भाग जाती है फिर भी नहीं शर्माती। लड़का मुझे बहुत पसंद है बेटा। ले मिठाई खा, दीपिका के डैड ने पसंद कर लिया मुझे। बधाई हो, अब तो तेरा चौथा पक्का। चौथा नहीं बे मनहूस, चौथी। खुश तो है जोरा, जैसे पहली शादी हो रही है। हाँ तो दिल से तो पहली हो रही है ना, बाकी सब तो ऐसे ही। माँ पैरी पे ना। माँ भोलू जीता रे बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, तू ठीक है? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, तुझे शादी किए हुए 1 साल हो गया, तू बहू को लेकर गांव कब आएगा? माँ जैसे काम से फुर्सत मिलेगी जल्दी आ जाऊंगा। माँ अगर तू बहू को लेकर नहीं आ सकता तो कम से कम उसकी एक फोटो तो भेज दे। इस बार अगर तूने फोटो नहीं भेजी ना तो बेटा मैं खुद वहाँ आकर बहू को अपने साथ गांव ले आऊंगी। तो ले जा माँ, एक मुसीबत तो कम होगी। नालायक, बहू को मुसीबत कहता है? याद रखना, कभी किसी औरत का दिल मत तोड़ना और किसी का घर मत तोड़ना। अरे नहीं तोड़ा माँ, तू किसी से भी पूछ ले। अरे किससे पूछूं, वो नालायक भी तो तेरे साथ ही रहता है। यही बैठा है माँ। प्रणाम। प्रणाम कर रहा है आपको। भगवान उसे खुश रखे। माँ बोल रही है जहर खा के मर जा। क्या? अरे नहीं माँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, फुर्सत निकाल के फोटो जरूर भेज देना। ओके माँ भेज दूंगा, तू अपना ख्याल रखना। ओके बाय, लव यू। क्या हुआ? अब माँ को भी बहू की फोटो चाहिए। तो भाई भेज दे, किसी की भेज दे तीनों में से। यार थोड़े दिन पहले बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि बहू की फोटो चाहिए। प्रॉब्लम ये है मेरे को याद नहीं मैंने किसकी भेजी थी। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तेरे माँ बाबूजी तो अलग रहते हैं, 15 साल हो गए उनके डिवोर्स को, किसी की भी भेज दे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी भेजूं, अंजलि की भेजूं कि जूही की? सिमरन तो गांव के हिसाब से टू मच। जूही की भेज दे। जूही की भेज दूं ना, माँ को अच्छी भी लगेगी। Excuse me. यो क्या? Your cap. Thank you so much. You're welcome. मैं रोज तुम्हें यहाँ देखती हूँ साइकिलिंग करते हुए। Oh yeah, और मैं तुम्हें जॉग करते हुए। Right. Would you like to have some juice? Yeah, sure. Come. चलो। वैसे तुम रहती कहाँ हो? Cocktail Towers. No ways. Really? मैं भी कॉकटेल टावर में ही रहती हूँ। Shut up. Which floor? Fourth floor. I live on the 8th floor. Left. एक ही बिल्डिंग में रहते और आज जाके बात हो रही है। I know. Actually मेरा हस्बैंड का कहना है ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में सब अपने में मस्त रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है। Really? हमारे हस्बैंड की सोच कितनी मिलती है ना। फिर तो उन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। अब हम मिल गए हैं तो उन्हें भी मिलना ही पड़ेगा। राइट। क्या पियोगी? मैं हमेशा आंवला जूस लेती हूँ। One watermelon juice and one आंवला juice. Sorry madam, आंवला juice तो खत्म हो गया है, ये आखिरी ग्लास था, इन मैडम ने ऑर्डर किया है। आप ले लीजिए, मैं कुछ और ले लूंगी। No, no, it's okay, really. मैंने अभी सुना आप हमेशा यही लेती है ना। एक्सक्यूज मी जी, वन ऑरेंज जूस प्लीज, ये आप इनको दे दो। ओके मैडम। ओ माय गॉड यार, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों से बातें करके। काश अगर पहले मिली होते तो, मैं तो घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो जाती हूँ ना। I'm facing the same problem यार। You know, same here. लेकिन मैंने तो एक ladies club join कर लिया है। In fact, अगले हफ्ते हमारे club का annual function है। बहुत ही बड़ा event होने वाला है। I'm telling you, you should join. तुम दोनों join कर लो, बहुत मस्ती करेंगे। Time pass भी हो जाएगा और इसी बहाने मिल भी लिया करेंगे। Not a bad idea, huh? Yeah, actually. By the way, Simran, Juhi, I'm Anjali. जानू बालकनी में जाके कर लो ना प्लीज। ओके।
देवा। सुनो। हाँ? ये तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर से? हाँ, ऊपर की किसी फ्लोर से गिरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ना कि तुम्हारा अंडरवेयर किसी और के घर से कैसे गिर सकता है। अरे पूरी बिल्डिंग में मैं ही थोड़ी ना कच्चे पहनता हूँ, इस ब्रांड के कोई और भी तो पहन सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सारे अंडरवेयर पे धागे से स्टार बना देती हूँ। क्या? हाँ ये देखो, ये रहा। सारी कलाकारी कच्चे भी दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये ऊपर से कैसे गिरा। मुझे क्या पता, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, बाप की बरसी याद रहती है, पति का कच्चे का पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे। बाप की बरसी? हाँ? किसके बाप की बरसी? तुम्हारे होती तो याद रहती ना, बच्चों से खेलना है, बच्चों से खेलना है, कच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे तुम्हें पता कुछ नहीं, बच्चों से खेलना है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मैडम मैडम, मेरे साहब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहब का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी? हाँ तुम अपने साहब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही उतारती है। क्या? हाँ मुझे धो के सुखाएगी तो उतारेगी भी तुम्हें इचना। आज भी मैं चुता रही थी तब इस पढ़ लेते। ला दो। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरे पति का। तुम उधर मुंह करके क्या खड़े हो? बताओ इसे ये अंडरवेयर किसका है? अरे बता इसे। साहिब। क्या साहिब? मेरा ही तो है। आपका ही तो है। हाँ तो मेरा है तो मैंने ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। आप कभी? कभी क्या, मैं रोज पहनता हूँ, कभी देखा मुझे बिना अंडरवेयर के? देवा। देवा क्या, मेरा अंडरवेयर मैंने लेवा, चलो यहाँ से, चलो चलो। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया, जाओ मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ, जाओ ना। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने मेरे कच्चे का इतना ख्याल रखा। राम भाई साहब आए तो उनको मेरा कच्चा बोलिएगा, हेलो बोलिएगा। कॉफी नहीं? अच्छा बना लिए, चलिए मैं थोड़ी सी ले लेता हूं। बेवकूफ भाई, अपने साहब का कच्चा नहीं पहचानती? भाई ही तो है, बीवी थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा अंडरवेयर ऊपर से कैसे आया। अब जैसे ऊपर से यहाँ गिरा, ऐसे किस दिन यहाँ से नीचे गिर गया होगा, और ये बेवकूफ भाई अपने साहब का समझ के ऊपर ले गई, फिर किस दिन ये नीचे गिरेगा? ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ है ऐसे। और ये सब मत समझो तुम, ये समझो, ये देखो करवा चौथ हैवी डिस्काउंट। वाओ डिस्काउंट, फिर तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे ना? डेफिनेटली ऑसम, मैं वहां से तुम्हारे लिए चार नए अंडरवेयर ले लूंगी। पक्का? अब ये फेंक दो, पता नहीं किस किस ने पहना होगा। साहिब कभी नीचे गए? चंपा हाँ? क्या हो गया, परेशान क्यों घूम रही है? करण साहिब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी देखो मैं घर के बालकनी से कपड़े उतार रही थी तो सांप का अंडरवेयर मेरे हाथ से नीचे गिरा। मैं देखी सिक्स फ्लोर में गिरा बराबर, जब मैं गई तो सांप पहले से ही नीचे थे। सांप पहले से ही नीचे थे? हाँ। चंपा वो तो होने ही थे, तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल में नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला जब ऊपर से कोई दो चीज नीचे फेंको ना तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता तेरे साहब भारी है उनका अंडरवेयर? साहब तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहब तू कितनी समझदार है तभी परेशान घूम रही है। भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं, न्यूटन को जानती है, उसका घर का काम भी मैनेज करती है ना। चलो पता है यहाँ पे एक के साथ दो फ्री का ऑफर चल रहा है। अच्छा, कई जगह तो एक के साथ तीन का भी चल रहा है। रियली? हाँ? ये लीजिए। अच्छा हुआ तुमसे दोस्ती हो गई, नहीं तो करवा चौथ की शॉपिंग के लिए भी अकेला आना पड़ता। सीरियसली वैसे तुम्हारा शॉपिंग करने का आइडिया बहुत अच्छा था, और तुम्हारा अंडरवेयर पे स्टार बनाने वाला तो माइंड ब्लोइंग था। छोड़ो छोड़ो क्यों, मैं टाइट पैंट पहनता हूँ तो पूरा स्टार चुका है, पूरा छिप चुका है। पता है हम लोग घड़ी भी ले लेंगे आज। घड़ी का क्या बेटी, आदमी का वक्त खराब नहीं होना चाहिए। मुझे लॉन्ड्री देखनी है, तुम्हारी हो? नहीं मुझे चूड़ियां देखनी है, सेकंड फ्लोर। थैंक्स। अच्छा सुनो जानू। हाँ? कुछ नहीं, मतलब तुम चलो मैं ट्रॉली लग रहा था। ओके तुम भी ना, जल्दी आना। किशन? जूही तुम यहाँ? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे टाइम मिल गया मॉल घूमने का? टाइम कहाँ मिला, मैं तो
बॉस के साथ आया हुआ था यहाँ काम से। वाइफ के लिए टाइम नहीं है, बॉस के साथ मॉल घूम रहे हो। चलो मेरे साथ शॉपिंग करो। इस तरफ चलते। उधर क्यों? वो इस तरफ बॉस है, वो देखेगा तो खम का गुस्सा करेगा ना। बॉस या बीवी जो गुस्सा करेगा? अरे आजकल के बॉस अपने आप को बीवी से कम थोड़ी ना समझते डार्लिंग। चलो हम लोग वहाँ चल के शॉपिंग करते हैं। वहाँ हमें किसी के बाप का डर नहीं। आपके ऑफिस वाले पीछा छोड़े तब ना। ला मेरी बात कराओ, मैं बताती हूँ। काट दिया बाबा। ये फोन क्यों काट रहे हैं? ये देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, चेक करो। चलो चलो गो 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 गो। एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। बोलिए। एक्चुअली मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों पे किस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों पे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट एक बात याद रखिएगा कि मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए। पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, सिर्फ चीज अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट, आप वहाँ पे देखिए, वो बच्चों के लिए बेस्ट ब्रांड है। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, अपना सारा काम कैश में चलता है। मुझे लगता है आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। सुनने के लिए तो तरस रहा हूँ, बच्चे की किलकारी उसी की तैयारी में लगाऊं। आप मेरी बात, एक मिनट मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। हाँ आप देखिए, सुनो। हाँ हो गया तुम्हारा, चले। प्लीज प्लीज उनकी हेल्प कर दो ना। यार मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बाहर का काम पकड़ा देती हो। दो मिनट लगेंगे, प्लीज हेल्प। ओके थैंक यू। जी भाई साहब कमाल है, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। चलो चलो सारा सेकंड सामान मिल रहा है। चलो चलो चलो, दो दिन में चलेगा। ये लीजिए गुलाबचंद जी, एक बार चेक कर लीजिए। कैसा दिख रहा है? शॉपिंग करा रहा है, जॉगिंग करा रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है। अरे पापा बॉस देख लेगा तो फिर वही चक्कर ना। ओ तेरी, ये इधर क्या हुआ? मैं पानी पी गया। ओके अरे अच्छा तो ये है इनके बॉस। ये अभी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? अपनी बीवी को शॉपिंग करवाने लाए थे। तो आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम खुश रहो बेटा। कैसे खुश रहे? दो दो दिन तक घर नहीं आते आपके चक्कर में। मेरे चक्कर? एक इंसान को चार चार ऑफिसेज दे रखे संभालने को, ऊपर से बॉल भी घुमाने ले आते हैं। आपको अपनी बीवी के साथ आना चाहिए शॉपिंग करने, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं। आर यू गे? चलिए फ्रॉड, ऑलरेडी शादी कर चुका है और मेरी बेटी से भी दूसरी शादी करना चाहता है। सॉरी बहन जी। बहन जी? अंजलि बहन जी, कहाँ थी तुम? मैं कहाँ थी, तुम कहाँ चले गए थे? अरे कब से फोन पे फोन किए जा रही, मैं कट पे काटे जा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम ट्रॉली लेने गए थे ना? वो ट्रैक्टर मिल गया, मेरा बॉस मिल गया ना ऊपर, दिमाग खा लिया उसने मेरा। तुम्हारा बॉस? हाँ। वो यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? हाँ। क्या? और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना तो दोबारा ऑफिस ले जाएगा, यहाँ से फटाफट निकलो। अरे तुम शॉपिंग करवा रहे हो या भगा रहे हो? अरे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ये मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये है तुम्हारे बॉस, इन्होंने जीना हराम कर रखा है हमारा, अभी ठीक करती हूँ। ये अभी अभी तुमसे जो बात कर रहा था वो कौन था? मेरे हस्बैंड थे। कोई प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है। तुम्हें पता है उसकी दो नहीं चार ऑफिस संभाल रखे हैं आपके, आपकी वजह से उन्हें मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता है। घर में झूला आया है लेकिन बच्चा नहीं आया अभी तक। झूला बच्चा? अरे मैं तो होंगे आप उनके बॉस, लेकिन मैं बीवी हूँ उनकी। अभी से बता रही हूँ, कल करवा चौथ है, चांद निकलने से पहले उन्हें घर नहीं भेजा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। हाँ चलो हटो। पहली को पता नहीं है कि दूसरी ऑलरेडी रखी हुई है, और दूसरी को पता नहीं है कि पहली ऑलरेडी पहले से ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। तुम सरप्राइज बहुत देते हो। अब जो मिलेगा वही दूंगा ना डार्लिंग। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया। ये मेरा साइज है। साइज किसी ना किसी को तो आ ही जाएगा। कलर देखो बेबी, कलर हाउ इज द कलर? ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखा दी मैंने क्या सिलेक्ट किया है। कम नो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आई।
अभी तू नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ये लड़की ने मुझे अंदर खींचा। खींचा मतलब क्या? हाँ, यहाँ तो मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो वो तुम्हारा भी हस्बैंड है? तुम्हारा भी मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए सर आपको? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? बाहर चलिए। ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है भले ही मेरी बेटी जिंदगी भर कमारी रह जाए। कहाँ गया ये? मेरे हाथ में आ जा तो जेल में मनवाता हूँ तेरा करवा चौथ। मैं हेल्प यू मैम। या प्लीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चौथी बीवी, वो भी बच्चे के साथ। केक काटेंगे। रुक 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 रुक, ये भी तेरी बीवी है ना? एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तो मेरी बस हेल्प कर रहे हैं। अरे आपको सच नहीं बोलना था आपको, वो तीनों लड़कियों की तरह झूठ बोलना था, जैसे उन तीनों लड़कियों ने झूठ बोला मेरे साथ मिलके और इनको अप्रैल फूल बनाया। आपने सारा काम खराब कर दिया बहन जी, आपको छोड़ देता हूँ अप्रैल फूल। अप्रैल फूल? अच्छा वो उसने आपको अप्रैल फूल बनाया? आप उस पे शक करते हो ना, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन पूरे मॉल में मेरी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक आदमी तीन दिन शादी का? हंसो मत, हंसो मत प्लीज, हंसो मत, हंसो मत। जो लड़का अक्टूबर के महीने में अप्रैल फुल बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हंसो मत, अरे हंसो मत। दो नी तीन के बीच में अटक गए हम तो यारों बीच बिचाले लटक गए। ओ पहले वाली कहती है तू कहाँ चला, दूसरे वाली कहती है तू फोन उठा, तीसरे वाली की टेंशन से हम झटके गए, हम तो यारों बीच बिचाले लटक गए। ओ हम तो यारों बीच बिचाले लटक गए। साले मैं अपने रोने रो रहा और तू नाच रहा। बैठ इधर, बैठ। तेरे को पता आज क्या हुआ? तीनों स्टंप उखड़ गए थे बॉस, तीनों बीवियां दीपिका के बाप के हाथ से चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी तेरा भाई आउट नहीं हुआ, तेरे को पता है? चौथी को ले जाके धड़ बोला फुल फुल। भाई तेरी ना ज्यादा हो गई है, अभी तो सिर्फ तीन हुई है भाई, चौथी अभी बाकी है मेरे भाई, फोर्थ इज पेंडिंग। तो सब जानता है यार, बट फोर्थ इज नॉट एक्चुअली फोर्थ, शी इज द फर्स्ट। तो सब जानता है यार, शी वेट मी फर्स्ट, शी लव्ड मी फर्स्ट, शी वांटेड टू मैरी मी फर्स्ट, बट बिफोर वी मैरी वाट लग गई मेरी यार। तो जानता है यार सब, I met with three accidents, got three wives, and not in a very big gap.
एक के बाद एक बॉस, एक के बाद एक, तीन अटैक हुए मेरे ऊपर, जमीन गायब अंडर माय लेग्स, लेकिन स्टिल आई एम स्टैंडिंग। समझते जानता है यार सब कुछ तू? भाई मैं सब समझता हूँ यार। क्या समझता है तू? क्या समझता है तू? सिमरन की पहनाई हुई शर्ट अंजलि बदल दे तो क्या होता है, समझता है तू? जूही के सामने अंजलि का नाम निकल जाए तो क्या होता है, समझता है तू? समझता है सर, सब समझ। कभी कच्चे पे स्टार देखा? इतने मोटे धागे से कच्चे पे स्टार बना दिए ना इधर, मेरे को जब चुभता है ना तो मैं दूसरी वाली को बता नहीं सकता हूँ कि क्या चुभता है, क्योंकि वो पहली वाली ने बनाया है, समझता है? जब तीनों बीवियां प्यार से खाना खिलाती हैं, आई लव दैट, प्यार है, इमोशंस, लेकिन उन इमोशंस के चक्कर में मेरे पेट में जो इमोशंस होते हैं, तू समझता है? तू सिर्फ न्यूटन समझता है, बुला तेरे न्यूटन को, बुला उसकी तीन छोड़ तू दो करा, अगर तेरा न्यूटन यूटर्न ना मारे तो मेरा नाम बदल दियो। सर सर कल करवा चौथ है, तीनों बीवियों ने कहा है कि जब चांद निकले तो हमें सामने चाहिए, फेस टू फेस। पूछ पूछ वो क्या नाम है तेरे अंकल का, न्यूटन से पूछ, है कोई ऐसा फॉर्मूला? इज देयर एनी आइडिया टू प्रोड्यूस वन मैन ऑन द थ्री प्लेसेस एंड एट द सेम टाइम? है कोई साइंस? समझता है यार, तू जानता है यार, तू जानता है, तू क्या जानता है यार, तू तो सब जानता है बॉस। तूने मुझे तीन तीन शादियों में फंसाया, अब मुझे तू ही निकालेगा, चांद को भी तू ही निकालेगा, मुझे भी तू ही निकालेगा, ये तो क्या होगा मेरा बॉस? प्लीज सेव मी, मेरे छोटे भाई जैसे हो यार। ओ नीली छतरी, हेलो। आज देश भर में शादीशुदा औरतों ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। रात की पूजा के लिए महिलाएं सुबह से ही सज धज कर तैयार हो गई थीं और शाम होते होते सभी अपने घरों की छतों और खिड़कियों पर पहुंच गई हैं। अब बस चांद निकलने का इंतजार है और ऐसा अनुमान है कि अगले आधे घंटे में चांद दिखाई देगा। आधा घंटा बचा है चांद निकलने में, कैसे दिखाएगा तीनों भाभियों को अपना चेहरा एक साथ, कुछ सोचा है? सोच लिया, चांद भी निकलेगा
और मैं भी। हेलो, तुम मेरा इंतजार कर रही हो ना? लेकिन मैं नहीं आऊंगा। क्या? क्या क्या? तुम्हारा पति जो भी करता है डिफरेंट करता है मेरी जान। जब शादी डिफरेंट हुई थी तो करवा चौथ भी तो डिफरेंट होना चाहिए। तूने जिसका नाम अपनी हथेली पे छुपाया है, जरा आके देख झरोखे पे, वो अपनी हथेली पे तेरा चांद लेके आया है।
अरे सुन, ये शिवराम किशन कहाँ मिलेंगे? आगे जाइए राइट पे, एक मंदिर है, वहाँ मिल जाएंगे। जा बुला के ला, बोल बाऊजी आए। भगवान को बुला के लो, वीर की है। ए, बुजुर्गों से मजाक करता है? शिवराम किशन मेरे बेटे का नाम है। और सुन, मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम भुलाने को, ऋषि कपूर ने कहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ऋषि कपूर ने नहीं कहा, वो तो फिल्म के हीरो थे, आनंद बख्शी ने कहा है। 24 घंटे रेडियो सुनता हूँ मैं, मुझे सब पता है। फिल्म वालों के नाम याद है, बिल्डिंग में कौन रहता है कुछ याद है? पहुंची? अरे तुम एक वॉचमैन हो, बिल्डिंग में कौन कौन रहता है सबके नाम मुंह जुबानी याद रहने चाहिए तुम्हें। अरे बाऊजी। अरे करण बेटा। तेरी बहन बाऊजी। अरे जीता रहे करण बेटा, कैसा है तू? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बाऊजी। चल बता इस भूल भुलैया में अपना भोलू किधर रहता है? आइए आइए चलिए। बाऊजी आप अचानक कैसे? अरे अचानक नहीं बेटा, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था बेटे और बहू से मिलने की, सो आज चला आया। चल जल्दी उनके घर ले चल। घर? कौन सा घर? मेरा मतलब कौन सी बहू की फोटो भेजी थी आपको? कौन सी बहू? क्या दो चार है क्या? नहीं मेरा मतलब बाऊजी बहू की कौन सी फोटो भेजी थी आपको? वो क्या है ना बाऊजी, यहाँ ना सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, वो लिफ्ट में ना मकान मालिक की फोटो दिखानी पड़ती है तो जाके तो रुकती है उस फ्लोर पे। सच बाऊजी? कमाल है। ये तस्वीर भेजिए। ओह सिक्स्थ फ्लोर, आइए बाऊजी आइए आइए। सिक्योरिटी तो फौज में भी नहीं होती। बाऊजी अब यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। बेटा रोज फोटो दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं बाऊजी, ये एक बार सिस्टम में लॉगिन हो गया मतलब स्टोर हो गया, आपने हमेशा आके ना बस ये 6 फ्लोर दबाना बाऊजी, ऊपर नीचे के दबाओगे ना तो अलार्म बज जाते हैं। ठीक है आ गया अपना घर बाऊजी, यहाँ रहता है आपका भोलू और आपकी भोली सी बहू। कुमार शिवराम किशन से राम कुमार? लोग शहर आकर नाम बड़ा करते से नाम छोटा कर दिया। बाऊजी काम बहुत बड़े करता है ना। हाँ बोल करण। भाई तेरे बाऊजी आ गए। बाऊजी आ गए? कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अबे यहाँ कहाँ आ गए? अबे यार यहाँ पे तेरे घर पे 6 फ्लोर पे यार। क्या बाऊजी गांव से? ओ माँ नहीं भाई बाऊजी आए। माँ भी आ गई, मेरे सामने खड़ी है। अब क्या करूँ? क्या करेगा भाई, काम कर। तूने माँ को जुए की तस्वीर भेजी थी ना, उनको फटाफट है ना 4th फ्लोर पे ले जा भाई, फिर देखते क्या करना है। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? यार विशाल मुझे क्या पता भटूरे का मिलेंगे। माँ माँ, अरे अरे मेरा भोलू, मेरा भोलू खुश रहे तो खुश रहे। हाय कितना मोटा हो गया है तू। मोटा? हाँ माँ तू दुनिया की पहली माँ है जो अपने बच्चे को मोटा बोल रही है, हर माँ यही बोलती बेटा तू दुबला हो गया। वैसे बेटा मैंने सोचा मैं शहर आई हूँ ना तो कुछ नया बोलू, वरना तू समझेगा तेरी माँ कितने पुराने ख्यालों की है। हाँ माँ लेकिन तू बिना बताए क्यों आ गई? क्यों बुरा लगा तुझे? और नहीं तो क्या? हाँ? नहीं मतलब तू बता के आती तो मैं एक दो को भेज देता ना। एक दो को भेज किधर कहाँ क्यों? मतलब ऑफिस के लोगों को, तुझे लेने के लिए माँ। अरे अरे बेटा मुझे पता है कि तू कितना बिजी रहता है। हाँ, ना इसीलिए तुझे बिन बताए चली आई। चल बहू से मिलवा। बहुत अच्छा चल, किया माँ, बहुत अच्छा किया माँ। आओ। अरे घर तो बहुत बड़ा है। क्यों ही? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। इसे क्यों ले आए? कोई यंग नहीं मिली? यंग? हाँ इस उम्र की बाई क्या काम करेगी? बाई? बाई नहीं, मेरी माँ है और तुम्हारी सास है। पांव छुओ इधर आके। मम्मी जी, I'm sorry मम्मी जी। जीती रहे बेटा जीती रहे, मुझे पता है कि तुम शहर वाली औरतों को सिर्फ काम वाली बाई का इंतजार रहता है, लेकिन बेटा घर में माँ बहने भी आती है। वाह क्या बात बोलिए माँ, छा गई तू। चुप कर जा, अंदर जाकर सामान रख दे। लेकिन आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? हमारे यहाँ जाने वालों की खबर दी जाती है, आने वालों की नहीं। बाऊजी नहीं आए? मेरे बाऊजी को तो गए हुए 15 साल हो गए,
I'm so sorry, मामी जी. मुझे नहीं पता था कि बाजी इस दुनिया में हैं. इस दुनिया में हैं और कुछ ज्यादा ही मजे में हैं. अरे कश्मीर की गोरी से शादी करने के बाद वो अपने गांव और मैं अपने गांव. लेकिन बाऊजी आप और माँ जी अलग कैसे हो गए? अब क्या बताएं बेटा, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, न पवन की न चमन की, किसकी है ये फूल? मैं कुछ समझी नहीं. भाभी मैं समझाता हूँ. वो क्या है ना कि बाऊजी फौज में शायरी किया करते थे. वो इनके अंदर का फौजी तो रिटायर हो गया लेकिन शायर जा ही नहीं रहा. ये शायरी थी? यस. बाऊजी आप शायरी करना छोड़ दीजिए. आई एम श्योर माँ जी फिर से आपके पास आ जाएंगी. सच? मुझे खुशखबरी कब सुना रही है? माँ मैं करण से मिल के आता हूँ. हाँ. मामी जी खुशखबरी तो ना करण भैया सुनाएंगे, मुझसे ज्यादा तो ही उन्हीं के पास रहते. सुन रहा है ना बहू के ताने? अरे बेटा तेरे पिताजी फौज में थे पर उतना वक्त तो उन्होंने भी निकाल लिया था कि मैं तेरा चेहरा देख सकूं. माँ क्या तू आते बच्चों के पीछे पड़ गई? तू आराम से बैठ, नाश्ता कर, मैं दो मिनट में मिल के आया. अरे एक थोड़ी ना, चार चार तो ऑफिस है बाऊजी. चार चार ऑफिस की क्या जरूरत है, चारों को मिलाकर एक क्यों नहीं कर लेता? बाऊजी आपने साइंस पढ़ी है? नहीं तो? सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगे बाऊजी. जब सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन चारों को एक सिलेंडर में भर दो ना बाऊजी, तो चूल्हा नहीं घर जलता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट. तूने शादी की? नहीं. फिर तू और अच्छे से समझेगा, घर साइंस से नहीं होम साइंस से चलता है. जी बाऊजी. अरे बाऊजी आप कब आए? पैर पे ना बाऊजी. बाऊजी के बच्चे, तू किधर गायब रहता है? बहू बता रही है तू रात रात भर घर नहीं आता. तू बिजनेसमैन है या वॉचमैन? क्या करूं बाऊजी, काम ही इतना, टाइम ही नहीं मिलता. काम और घर दोनों एक साथ चलाना पड़ता है क्योंकि घर जो है साइंस से नहीं भाई, होम साइंस से ही चलता है. देखा, इसकी शादी भी नहीं हुई फिर भी ये समझ गया. तू भी समझ ले, बहू को टाइम दिया कर, उसे खुश रखा कर. खुश रखता तो हूँ बाऊजी, और क्या चुटकुले सुनाऊं उसको मैं? बड़े आए हैं खुश रखने वाले. बताओ कल क्या है? कल कल जो भी है, बाऊजी को पूरा दिन मुंबई घुमाना है, परसों चले जाएंगे ये. अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ, इतने सारे पुराने दोस्तों से मिलना है, कम से कम 20 दिन में कहीं नहीं जा रहा हूँ. और हाँ बहू, तुम कुछ कह रही थी ना, क्या है कल? वो बाऊजी कल मेरा बर्थडे है. अच्छा, याद था आपको? और नहीं तो, आदमी की याददाश्त भले चली जाए बीवी का बर्थडे भूल सकता है? कल देखना तुम्हारा बर्थडे ऐसे मनाऊंगा ना, ऐसा लगेगा पहली बार पैदा हुई हो. अरे बोलू सब तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी बस कर रहा हूँ. अच्छा सुन, मैं जरा जा रहा हूँ मार्केट, बहू के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लाने, मेरे आने से पहले केक मत काटना. ठीक है बाबूजी. वैसे जानू एक बात तो है, तुम 35 की हो गई हो लेकिन लगती बिल्कुल नहीं हो. ओए शट अप, आई एम ओनली 26. देखा सीधा पूछता तो 21 बताती, अभी कम से कम आस पास तो आई. करण बाहर देखना कौन है. सिमरन और चूही. क्या? तेरी दोनों बीवियां तीसरी से मिलने आई हुई है. वो इससे क्यों मिलने आई? मुझे क्या पता. दरवाजा खोलो ना, कोई बेल बजा रहा है. बच्चे हैं डार्लिंग, बेल बजा बजा के भाग रहे. बच्चे नहीं मेरी फ्रेंड्स होंगी, उनको भी बुलाया मैंने. मैं देखती हूँ. फ्रेंड्स? ये कब से फ्रेंड्स हो गई? मर गए. तुम दोनों के हस्बैंड्स नहीं आए? मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी में फंसे हुए हैं. मेरे भी आज लकीली मेरे घर पे है, मेरी ड्यूटी कर रहे हैं. पीछे अच्छा कम ना, अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ. नीचे कूद रहा हूँ, भाग ले क्या मर जाएगा. लकी ये तुमने सब बता दो, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी और मेरा भी. भाई तुमने सबका केक खराब कर दिया और तेरा चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा बिल्कुल भी.
हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अभी केक खाया ना तो मोमबत्ती अंदर घुस गई, अंदर जाके जल रही है, बुझ रही है, आवाज निकल नहीं रही है। लेकिन तुमने केक में मुंह डाला ही क्यों? तुम्हारा बने सब तुम्हारे मुंह पे केक लगाते, मैंने सोचा मैं अपना मुंह खराब कर लेता हूँ। तुम भी ना जाओ, जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर इन दोनों से मिलवाती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे का केक है, ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, ऐसे मिल लेता हूँ फ्रेंड्स को। हेलो चिमनन, हेलो जुई। हाय, हेलो। एक मिनट, तुमको इनके नाम कैसे पता? भाभी अभी तो दरवाजे पे आपने नाम लिया था। केक मुंह में घुसा है, कान में तो नहीं घुसा है। करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाभी मैं वकील हूँ ना, वो लीगल मैटर सारे मैं ही देखता हूँ। भाभी ये मेरी भाभी है और भाभी है मेरी भाभी है, इस बिल्डिंग में सब मेरी भाभी है, मेरी 32 भाभी और 30 भाई साहब है। दो भाई साहब कम क्यों? भाभी है तो एक्स्ट्रा है ना। तुम मेरी बीबी का मंडे बनाने आया कि तुम भैया भाभी कहने आया? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जानू, कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। सुपर आइडिया, इस बर्थडे पे मैं भी अपने हाबी के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। खिंचवा लूं, मैंने मना किया। आपके साथ? हाँ, केक लगने के बाद सबके पति एक जैसे दिखते हैं। माय गॉड, योर हस्बैंड इज सो फनी। आई थिंक हम सबको एक फोटो चाहिए। लेट्स टेक अ सेल्फी, चलो ना। आइए ये भाभी और भाभियों। कम कम, ये फोटो मैं कल क्लब के फंक्शन में सबको दिखाऊंगी। स्माइल है। रुक्मणी, आप आज कितने वर्षों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। कैसे हैं आप? देख लो, तुम्हारा फौजी तुम्हारे बगैर कितना अधूरा है। आप तो कश्मीर से गोरी लाए थे ना? अरे वो प्यार भी मैंने तुम्हें याद करने के लिए ही किया था रुक्मणी, उसमें मुझे तुम्हारी सूरत ही तो दिखाई देती। मैं ही बेवकूफ थी कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर में आपकी सूरत नहीं देख सकी और आपका इंतजार करती रही। अब तुम क्या जानो रुक्मणी, जिस दिन वो गोरी मेरे सामने आई थी उस रात पारा तो शून्य से नीचे गिर गया था। पारा भले ही नीचे गिर जाए लेकिन आदमी का चरित्र नहीं गिरना चाहिए। अब तुम भी वो सब भूल जाना रुक्मणी, माफ कर दो ना मुझे। वो कश्मीर की गली तो 5 साल बाद ही शहीद हो गई थी। वो तो होना ही था, सिपाही के तेवर को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तुम भी ना रुक्मणी। अरे तुम्हें मालूम है हमारे भोलू की शादी हो गई है। हाँ, कितनी प्यारी बहू लाया है मेरा भोलू। वाकई बड़ी संस्कारी बहू है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, इतनी सेवा करती है मेरी। मेरी तुम बहू से कम मिली, उसके पास तो मैं रुका हूँ। आप किसके पास रुके हुए? बहू तो मेरे साथ है। क्या बात करती हो, तुम कौन सी मंजिल पे हो? चौथी मंजिल पे। और मैं छठी पे। इसका मतलब आपकी औलाद भी आप ही की तरह निकली, उसने भी दो दो शादियां कर रखी है, आज वो रहेगा या मैं रहूंगी। रुक्मणी रुक जाओ, मैंने बहू की आंखों में खुशी देखी है और बेटे की आंखों में वफादारी। वो तो मैंने भी देखी है। हम उससे बात करेंगे लेकिन तब तक जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, और रोज सुबह और शाम यहाँ गार्डन में मिलेंगे। मुझसे मिलने आओगी ना रुक्मणी? पिछले 15 सालों से आपका इंतजार कर रही हूँ और आज भी आप पूछ रहे हैं। बाऊ जी, मम्मी जी, क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए? जल्दी चलो, लेट हो गए तो क्लब में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा। नूर में आ जाओ, एक नशा सा चढ़ता है, जरा लख तो हिला दूं मेरे नाल नाल, मेरे फर्क नहीं पड़ता है। शीशे दी जवानी पे एक सुरूर सा चढ़ता है। मैं तो इश्क़ दरिया पी लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
जुगनी पीके टाइट है, हो जुगनी फुल टाइट है, हो जुगनी पीके टाइट है, हो जुगनी फुल टाइट है। जद ठुमके ये मारे सारे आशिक एक साइट है, हो जुगनी पीके टाइट है। Anjali and Juhi. Hi. We loved your performance. You were stunning. Thank you. सिर्फ thank you से काम नहीं चलेगा. तुम्हें मेरे घर चाय पे आना पड़ेगा. और lunch में मेरे घर. Dinner मेरे यहाँ. हम तीनों एक ही building में रहते हैं. Oh wow. एक ही building में. So cool. तो बताओ कब आ रही हो? Actually क्या है ना, बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है. मैं आऊँगी तो अपने husband के साथ. Promise? Promise. ये ली. Thank you. उनको दे दो. Thank you. पता है मैं जब भी यहाँ से क्रॉस करती हूँ ना, यहाँ का गोला जरूर खाती हूँ. इट्स यम्मी यू नो. लेकिन इतनी कैलोरीज मत खाया करो. जब तक कमर पतली होती है ना, तभी तक हस्बैंड लोग कमर में हाथ डाल के चलते हैं. आई थिंक प्यार कमर उमर देखकर नहीं होना चाहिए. लव शुड बी फॉरएवर लाइक देम यू नो. मेरी सास? मेरे ससुर? क्या ये तुम्हारे सास और ससुर? I'm so sorry. मुझे लगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. ये मम्मी जी क्या करें मुंबई आकर? और मेरे ससुर भी. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चिरागों से लौट जा रही थी. अरे इस उम्र में तो फोटो के सामने दिया जलाना चाहिए. और आप हैं कि अपना चिराग जलाने में लगे हुए. क्या फालतू की बातें कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सच कह रही हूँ, इस उम्र में भी इश्क फरमा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी. इस उम्र में किसके साथ इश्क करेंगे? वो मेरी फ्रेंड है ना, फोर्थ फ्लोर वाली जूही. उसकी सास से अफेयर शुरू हो गया उनका. मतलब माँ और बाऊजी मिल गए? माँ बाऊजी? हमारे बाऊजी और उनकी माँ मिल गए? हाँ, आज हमने उन्हें दो बार साथ साथ देखा. एक बार गार्डन में गले मिलते हुए. हाँ? और दूसरी बार बैंड स्टैंड पर नारियल पानी पीते हुए. अच्छा? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है फिर से. बाऊजी कुछ तो कहा गए थे. बाऊजी कहाँ थे आप? अब बेटा मैं जरा टाइम पास करने के लिए आर्मी क्लब चला गया था. अच्छा, पर यहाँ तो कोई आर्मी क्लब नहीं है. हाँ नहीं है, बहुत ढूंढा नहीं मिला. और तू अंदर आ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है. मैं छोटा सा काम निपटा के आऊँ बाऊजी. आना जरूर. हाँ सुनो, ये बाऊजी तुमको ऐसे क्यों घूर रहे थे, जैसे तुम कोई गलत काम कर रहे हो? ये सब बड़े बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम होती है, पता है? खुद गलत काम करते और ऐसे दिखाते जैसे सामने वाला गलत काम कर रहा हो. तुम एक बात का ख्याल रखना,
कहीं माँ को फोन ना करें। माँ को? उनकी माँ को, जिसके साथ चक्कर चल रहा है। मेरी माँ को थोड़ी। हाँ। मम्मी जी, आप नीचे गार्डन में तो नहीं थी, कहाँ चली गई थी? वो गार्डन में मुझे बिल्डिंग की लेडी मिल गई थी, उसके साथ सत्संग चली गई थी मैं। अच्छा, सत्संग में बड़ा मन लगता है ना आपका? अब बेटा, इस उम्र में तो सत्संग में ही मजा आता है ना। एक कप चाय पिला दे। नारियल पानी ला दूं? नारियल पानी तो मैं पी के आई हूँ। सत्संग में नारियल पानी तो नारियल में ही आता है ना बेटा। मुझे लगता है तू बहुत थक गई है, मैं ही तेरे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ, माँ कहाँ? किशन, इधर आओ। तो मम्मी जी को ना वापस गांव भेज दो। क्यों, सेवा नहीं हो रही माँ की तुमसे? नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मम्मी जी का ना अफेयर शुरू हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? सच्ची, उनका सिक्स फ्लोर वाली अंजलि के ससुर के साथ ना इश्क चल रहा है। अच्छा, तुम चौके नहीं? चौका हो ना बहुत ज्यादा अंदर से, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कोई इंसान बहुत दिनों तक किसी से दूर रहता है तो ऐसा हो जाता है। पर ये तो गलत है ना। क्यों, तुम दो रात मेरे बिना परेशान नहीं हो जाती हो? और माँ को तो बाबूजी से अलग हुए 15 साल हो गए, हो सकता है माँ को उस इंसान में अपना पति नजर आ गया हो। अच्छा, तुम्हें मैं कितनी औरतों में देखती हूँ? 3 में, 2 शादीशुदा और 1 कुंवारी में। हैं? तो जब फालतू के सवाल पूछोगे तो फालतू का जवाब दूंगा ना मैं। माँ का ख्याल रखना, कहीं बाबूजी को फोन ना करें, उनके बाबूजी को हर बात समझानी पड़ेगी। क्या? मैंने कब पूछा? पूछने तो वाली थी ना। यू नो डार्लिंग, आई लव यू, तो मुझे पता चल जाता तुम क्या पूछने वाली हो। आई लव यू टू। भगवान ऐसा पति सबको दे। ओके ओके। करता क्या है ये लड़का? ये सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं सर। पक्का इससे ही शादी करने वाली हो? जी सर। अच्छा, मेरी अभी अंजलि से फोन पे बात हुई। हाँ। वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, उसको लेके चलते हैं। एक मैं हूँ जो बच्चे के सपने देखती रहती हूँ, और तुम हो कि तुम्हें बीवी से प्यार करने का वक्त ही नहीं मिलता। प्यार करने का कोई टाइम होता है जानू? खुले में थोड़ी ना शुरू हो जाऊंगा। लव यू जानू। अंजलि, कमाल है, अभी तो प्यार के लिए मना कर रहे थे। मना करने के बाद प्यार करने का मजा ही अलग है जानू, छोड़ना नहीं। कितने स्वीट हो तुम, कितने रोमांटिक है ना इसके हस्बैंड। कंपाउंड में भी चालू। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। आज फिर से लेट हो गई, आज कौन सा झूठ बोलेगी? साहिब, चंपा, मैम साहिब। कौन है? मेरी वाइफ, सब जगह डिस्टर्ब करने आ जाती है। अगर मैम साहिब उधर है तो साहिब किसके साथ है? हग मी टाइट जानू। अजीब है ये। चलो चलते हैं, अच्छा नहीं लगता। चलो। अब तुम्हारे कहने पे कर लिया ना खुले में प्यार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी। जाओ शावर। इन्हें कैसे पता? क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। श्री बाबा श्री। अरे चंपा, क्या हो गया? साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सोसाइटी में काई चल रहा है। अब साहिब किसी और लेडीज से गले लगे हुए थे, और मैडम भगत होती कुछ बोल भी नहीं रही थी। इतनी सी बात? इतनी सी बात? आप इसको इतनी सी बात बोलते हो? अभी किसी और के घर में खुशखबरी जाएगी तो बोलना मत मैंने बोली थी आपको कि साहिब किसी और के साथ। चंपा चंपा, तूने साइंस पढ़ी है? अभी इसमें भी नूतन का चक्कर है क्या? नहीं, ये तो मेडिकल साइंस है। अरे साहिब जो कर रहे थे ना, उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। काहे? मेरा मतलब अपने मुंह से दूसरे के मुंह में सांस देना। अब चंपा, हो सकता है ना कि वो जो लेडी हो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो साहिब तो उसकी मदद ही कर रहे थे। साहिब, मैं बराबर देखी,
साहब तो गले लगे हुए थे। अब वो हर एक औरत के जाके मुंह थोड़ना लगेगा। उसका कैरेक्टर कैरेक्टरलेस नहीं हो जाएगा। चंपा कैसी बातें करती है, वो माउथ टू माउथ की बजाय क्या पता चेस्ट टू चेस्ट सांस दे रहा हो। अब तो समझ लो, समझ लो। भाभी को मत बोलना, तुझे बेवकूफ समझेगी। साहिब इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं, वो तो मौत टू मौत मेरे को समझ में आता है, लेकिन साहिब चेस्ट टू चेस्ट है ना, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन झाल। साहिब एक काम करोगे? हाँ बोल चंपा। जरा मेरे साथ लिफ्ट में आओ ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी लिफ्ट में मेरे को इतना सांस का तकलीफ होता है ना। आओ ना साहिब। होता है। हाँ दीपू। कुमार अभी डैड का फोन आया था, तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बोल रहे थे, मेरा तो उनसे झगड़ा हो गया। अच्छा क्या बोल रहे थे? पहले तुम मुझे आकर मिलो और करण को भी साथ लेकर आना, मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या? कोर्ट मैरिज? हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। डैड को पता नहीं तुम पे कैसे कैसे शक हो रहे हैं, आज फिर बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अच्छा ऐसा कह रहे थे? बट आई स्वेयर दीपिका, मेरा प्यार सिर्फ तुम ही हो। आई नो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। शी इज राइट, चुपचाप कोर्ट में जाके शादी कर ले, ज्यादा तमाशा भी नहीं होगा और तेरे लिए भी अच्छा है। बात को समझना भाई। हाँ, और बैंड बजने से भी बच जाएगा, मेरा मतलब बैंड बजे बारात से भी बच जाएंगे। तो फिर डन, तू अपने फिटनेस को लेके कोर्ट में आ जा। ठीक है, आप अपने फिटनेस को लेके कोर्ट में आ जाओ, मैं कराता हूँ तुम दोनों की शादी। परफेक्ट, चीयर्स टू दैट। चीयर्स। ओह वाओ, समबडी इज लुकिंग हॉट टुडे। वो फॉरेन से डेलीगेशन आ रहा है इसलिए सूट पहना है। मैं कुछ शादी करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने कब कहा कि कोई शादी करने जा रहे हो? नहीं, मैंने सोचा जब इंसान का वक्त खराब चल रहा होता तो कोई भी कैसा भी शक करने लगता है, तो इसलिए मैंने सब बोल दिया। ओह कम ऑन शिव, तुम्हारे प्यार में कोई कमी है जो मैं तुम पे शक करूंगी? यू मीन द वर्ल्ड टू मी बेबी। बाय। कहां? काम वाली बाई नहीं बेबी, तुम्हें बाय बोल रहा हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ, आज वाला लिख लो, मैं कल आके बराबर कर दूंगा। मैं चलूं? ओके, थैंक यू बेबी, ऑल द बेस्ट, बाय। बाऊजी एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। बेटा मैं तेरी माँ से मिला था। माँ से? हाँ माँ से। ये दो-दो का क्या चक्कर है? तो बाऊजी क्या दो-दो? हाँ दो-दो लड्डू, दो लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देना और दो शनि के मंदिर में, मैंने कुछ मन्नत की है। हाँ बाबूजी। उसी बुढ़िया के लिए मन्नत मांगी होगी और क्या। सुनो भैया ने बच्चे के लिए कपड़े भेजे हैं, आओ ना दिखाती हूँ। मैं आता हूँ बाबूजी। बच्चे क्या क्या छुपा कर रखा है इसने? कहाँ रह गए यार ये? हाँ। कहाँ रह गया तू? जज चला गया ना, तेरी शादी नहीं हो पाएगी, जल्दी आ। ओके अंजलि, शाम को मिलते हैं। ओके। अच्छा बाऊजी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। बाय जानू। बाय बाय। दो तो पहले से करके बैठे, अब तीसरी करने जा रहा है, ये तो मेरा भी बाप निकला। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक बैठ, ये दो शादी का क्या चक्कर है? देख मां, ये जो दो लड्डू चढ़ा दूंगा ना मां, तो शनि महाराज के, तो हनुमान जी के। लड्डू? हाँ वो लड्डू हाँ चढ़ा देना। हाँ किस बात के लड्डू चढ़ा रही है मम्मी जी? इस घर की सुख शांति के लिए और इसकी सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि की जरूरत तो सबको है ना मम्मी जी। हाँ तो तेरे लिए भी दो लड्डू चढ़वा दूंगी। मुझे पता है किस लिए लड्डू चढ़ रहे हैं, जरूर उस बुड्ढे के लिए मन्नत मांगी होगी। आशीर्वाद दे माँ, आज तक हादसों में अच्छे काम होते आए, आज अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, कोई हादसा ना हो जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, बस एक बात का ख्याल रखना, किसी औरत का दिल और किसी औरत का घर मत तोड़ना। तेरे इसी वचन के चक्कर में शादी के 28 वचन निभाने की नौबत आ गई माँ। शादी के 28 नहीं 7 वचन होते हैं। हाँ तो जो आदमी 4 गुना प्यार करता है उसके लिए तो 7 चौके 28 हो गया ना। क्या 4? देखा मम्मी जी, इसलिए तो कहती हूँ भगवान है सपति सबको दे। दे रहा है भगवान, धीरे धीरे करके सबको दे रहा है। चलता हूँ माँ। बाय बाय डार्लिंग। बाय। सुनो
सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। एक्सीडेंट वाली शादी पे तू टाइम पे पहुंच जा। और ये टाइम लिया तो लेट। अबे छोड़ दो यार, दीपिका कहाँ है? वो इधर ही थी यार, अपने गवाह को लेने गई। भाई मर गए। क्या हुआ? उधर देख। माँ की आंख, ये चारों एक दूसरे से कैसे मिल गई? अरे मुझे क्या पता यार। एक काम कर, मैं निकलता हूँ, तू संभाल लेना। तो मुझे हमेशा क्यों फंसाते? बोल देना गवाह का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कुछ भी बोल देना। मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं, तू वहाँ पे जाके सब संभाल, मैं यहाँ पर सब समझा दूंगा उनको, वो सब समझ जाएंगे यार, मुझे पता है ना, उन पे भरोसा है मेरे को। क्या हुआ करण? मैं करता हूँ भाई, वो दीपिका एक्चुअली। अरे करण तुम यहाँ? अरे आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे ये तो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। हाँ, और हमारे हस्बैंड की लीगल मैटर्स भी यही देखता है। भाभी आपके हस्बैंड का क्या, मैं तो इनके होने वाले हस्बैंड को भी बचाता हूँ। अब मेरा मतलब उनका टैक्स बचाता हूँ, मेरा तो काम ही ऐसा है ना। लेकिन कुमार आया क्यों नहीं अब तक? वो एक्चुअली ना, उसका मेरे को फोन आया था, उसका जो गवाह है ना वो थोड़ा सा गाड़ी के नीचे आ गया। क्या? हाँ, और वो कुमार भी उसके साथ ना हॉस्पिटल में ही है। लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना। नो नो, अब जब इमरजेंसी आ गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या एक्चुअली इनफैक्ट मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, उसने अपनी शादी से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी समझा। मैं तो कहूँगी भगवान ऐसा पति सबको दे। वो जरूर देगा, वो देते ही देता है, मुझे पता है। मैं क्या कह रहा था कि वो आपकी शादी की 2 दिन बाद की डेट ले लेता हूँ, है ना, ठीक रहेगा ना? हाँ, I think that's perfect. और उसी डेट पे हम सब भी आ जाएंगे, है ना? Absolutely. Yeah, sure. No problem. Okay, दीपिका, take care, हाँ? Bye. Bye. आइए आइए भाभी जी, आइए आइए। चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है आपने गलत सुना होगा। 2 शादी करने के बाद 3री शादी थोड़ी करेगा। बेटा है हमारा, कोई सांड थोड़ी है। अरे मैं सच कह रहा हूँ रुक्मणी, वो यहीं आया है, वहाँ जाके पूछते हैं। मम्मी जी, बाऊजी, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पे शादी किस कमरे में होती है? ये दोनों शादी कर रहे हैं? कितनी जल्दी है दोनों को, एक दिन में प्यार हुआ और दूसरे दिन शादी करने कोर्ट पहुँच गए। अंजलि, जिस स्पीड से ये दोनों जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि तेरे बच्चे से पहले तेरे हस्बैंड के भाई बहन ना हो जाएं। हे भगवान, मैं जाके किशन को बताती हूँ। हाँ, और मैं राम को बताती हूँ। जरा देख के बताइए ना। देखिए भाई साहब, शिव राम किशन नाम के किसी भी आदमी की शादी आज नहीं है। हो गई तसल्ली, अब चलिए। अच्छा हो जाएगा, तुम जाना, मेरा मतलब। अरे हाय, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। तू हॉस्पिटल नहीं गया था अपने दोस्त की जान बचाने? गया था ना, वो दोस्त बच गया तो मैं आ गया। तेरा दोस्त बच गया आज, तो शादी कर ले। लेकिन मेरे विटनेस चले गए। ओ, फोन करो। नो नो, क्यों यार, ये कोर्ट की शादी ना वैसे भी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। एक काम करते, हम लोग मंदिर में शादी करते हैं। तू पूजा का सामान लेके मंदिर पहुंच, ठीक है? पूजा का सामान मैं कैसे? अबे जाना यार। यार मैं वकील हूं क्या हूं? चलो हम मंदिर चलते, वहां पे जाके। तुमने क्या सोचा था, तुम कोर्ट तक जाओगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? तो क्या करती मैं? आपने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था मेरे लिए? तो ये रास्ता ढूंढा तुमने? ये एक नंबर का धोखेबाज है, कितनी बार समझाऊं, एक नंबर का कमीना है, इसकी सगाई हो चुकी है। नहीं हुई इनकी सगाई। अच्छा, तुम्हारी सगाई नहीं हुई है? नहीं सर, सगाई तो मेरी आज तक नहीं हुई। अच्छा, अभी बताता हूं मैं। पूजा। जी सर। बताओ इसे, तुम्हारी इससे सगाई हुई है या नहीं? ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ ना सर, मैं लाइफ में पहली बार इनकी शक्ल देख रहा हूँ और आप कह रहे हैं मेरी इनके साथ सगाई हुई है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसने ही कहा था। बताओ बताओ। हाँ हाँ सर। देखा? नहीं, ये सच कह रहे हैं। क्या? मेरी इनसे सगाई नहीं हुई है। सुन लिया आपने डैड? अरे लेकिन तो फिर ये फोटोग्राफ अपने डेस्क पे क्यों लगा के रखी थी तुमने? एक मिनट, कुमार की ये फोटो तो मैं आपके टेबल पे छोड़ के गई थी। तुम? हाँ हाँ सर, मैं भी अपनी फियांसी की ही फोटो लाई थी। अरे, लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे बदल गई। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी सर, इसलिए मैं चुप रही। आई एम वेरी सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे होने वाले दामाद पर शक कर रहा था मैं। मेरी बेटी का दिल दुखाया मैंने। यू आर फायर्ड, नई नौकरी ढूंढ लो, गेट आउट। छोड़ दीजिए ना सर, वैसे भी इंसान मजबूरी में ही झूठ बोलता है, और ये बात मेरे से बेहतर कौन जानता है। जाने दीजिए ना सर। हाँ डैड, प्लीज इसे माफ कर दो ना। ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए माफ करता हूँ, जाओ। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई। नो प्रॉब्लम,
मुझे वैसे भी लड़कियों को बचाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, फिर चाहे मैं खुद फंस जाऊं। नो प्रॉब्लम, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। अब तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगा मैं। और तुम दोनों की शादी भी करवाऊंगा, वो भी बड़ी धूमधाम से। हरीश, दोस्त रिश्तेदार सभी के यहाँ इनविटेशन पहुंचाने चाहिए। इट शुड बी अ ग्रैंड वेडिंग। बिल्कुल। और ये सारे कार्ड्स आज डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डैडी, मेरे पर्सनल कार्ड्स हैं, मैं नहीं भेज दूंगी। ओके, कोई बात नहीं। अरे आओ बेटा, आओ। अरे वाह पापा, तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। भाभी, मेरे लिए कोई भी काम हो ना बता देना बस। हाँ है ना। करण भैया, तुम कॉकटेल टावर में रहते हो ना? हाँ जी भाभी। मेरी तीनों फ्रेंड्स वहीं रहती है, फोन तो मैंने कर दिया, बस ये कार्ड दे देना। ओके, थैंक यू। भाई, तेरी तीनों बीवियां तेरी शादी में आएंगी, अब कैसे करेगा शादी? मुहूर्त निकल चुका है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, शादी भी होगी, तू देखता जा। तेरा तो चौथा पक्का। पापा, मैं क्या चाहता था? हाँ बोलो बेटा। आप हमारी शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो एक छोटा सा अरमान मेरा भी है। अरे बोलो बेटा बोलो, और तुम जो बोलो करने के लिए तैयार हो, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, तीन चार बार थोड़ी ना होती है। बोलो। हाँ, मतलब मैं ये चाहता था कि हमारी शादी में सबको अपनी शादी याद आ जाए, यू नो, ना मैं अकेला दूल्हा रहूं, ना दीपिका अकेली दुल्हन रहे, हर लड़का दूल्हा हो, हर लड़की दुल्हन हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, सामूहिक विवाह थोड़ी करवा रहा। नहीं नहीं, शादी हमारी होगी, लेकिन यू नो, हर लड़का दूल्हे के लिबास में आए, हर लड़की दुल्हन के लिबास में आए, यू नो, इट्स गोना बी अ थीम वेडिंग, हर जोड़ा शादी का जोड़ा। वाह, व्हाट अ ग्रेट आईडिया, है ना डैड? यस, ऑफ कोर्स। मेरी शादी की शेरवानी मंगाओ। पंडित जी, आपके स्लो मोशन में काम करने के चक्कर में ना मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाइए, थोड़ा चाहिए चम्मच। भाई भाई भाई, क्या कमाल की थीम सोची है तूने, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा यार। सुबह से दो भाभियों ने तो मुझे किसी दे दिया अपना पति समझ के, किसी का बाप नहीं पहचान सकते यार, असली दूल्हा कौन है? अरे कहां गया कुमार, ये इतने सारे गधों को दूल्हा बना रखा है इसने। कुमार, सॉरी सॉरी मिस्टर कुमार। अंकल, आपका दूल्हा वहां है। अरे क्या अजीब सी थीम रखी है, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। पापा, मैं यहां हूं। देखा, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। अरे अच्छा है दुल्हन घूंघट में नहीं है, नहीं तो 40 थप्पड़ खा चुका होता सुबह से। पापा, इससे पहले कि और दुल्हन आए, आप मेरे वाली दुल्हन को बुलाइए ना प्लीज। अरे बेटा, इसीलिए तो आया हूँ। दीपू, तुम्हें कब, ये देखो दीपू। ए दीपू बेटा, ये रहा कुमार। बेटा कुमार, तुम्हारे माँ बाप भी इस शुभ अवसर पर आ जाते तो कितना अच्छा लगता। वो तो आने ही चाहते थे, लेकिन उनके जोड़ों में दर्द था। एक्चुअली जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द हर्निया तक चला गया है, और वो उसी की वजह से ना चल फिर भी नहीं सकते जी। हमें कौन सी परेड करवानी थी उनसे, आराम से सोफे पे बैठ के बेटे और बहू को आशीर्वाद दे देते। पर पापा, वो बैठ भी नहीं सकते, एक्चुअली कुछ दिनों से उनकी पाइल्स में सूजन आ गई। पाइल्स में सूजन? लेकिन हमने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े तंदुरुस्त होते हैं। ठीक सुना है तुमने, देसी घी खाते हैं, मौज बनाते हैं। ब्रिजमोहा। माँ और भाऊजी इनको कैसे जानते हैं? मुझे नहीं पता यार। बधाई हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई सर। आप आई बहुत अच्छा लगा, आपके आने से दीपू को माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए ना, आइए। बेटा पाँव छुओ, पाँव छुओ। खुश रहो बेटा। ये है मेरे बचपन का दोस्त ब्रिज मोहन। और ये है मेरा होने वाला दामाद। पाँव छुओ बेटा। जीते रहो बेटा। लड़का बड़ा संस्कारी है। बड़ा संस्कारी है। अरे तेरा बेटा भी तो इसी शहर में रहता है, वो क्यों नहीं आया? अरे चार चार ऑफिस संभालता है, टाइम कहाँ है उसके पास? व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा दामाद भी चार चार ऑफिस संभालता है।
तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, घर और काम दोनों साथ साथ चलाने पड़ते हैं, क्योंकि घर साइंस से नहीं होम साइंस से चलता है। करेक्ट। कौन बोला? आज कुछ नहीं पता चलेगा। आज सब एक जैसे हैं। चलो हमारे दोस्तों को मिलते हैं। आई मीन ढूंढते हैं। आओ भाभी जी आओ। लो मेरी फ्रेंड्स भी आ गई। चलो मिलवाती हूँ तुम्हें। तुम चलो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं पंडित जी से मिलके आता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, चलो मेरे साथ। तुम चलो ना। चलो। अंजलि जूही, so good to see you guys. Congratulations, I'm so happy for you, Deepika. बहुत प्यारी लग रही हो. Thank you guys, thank you. अरे अपने हस्बैंड से तो मिलवाओ. अरे हाँ, अपना चेहरा तो दिखाइए. अरे ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? मैं दिखाती हूँ. ये है मेरा कुमार. करण? नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन सी हुई है. वो क्या है कि आपने ना कुमार समझ के मेरा हाथ पकड़ के लिए, मैंने भी नहीं रोका. वो एक्साइटमेंट थोड़ी ना खत्म होनी चाहिए. कुमार कहाँ है? मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ. पंडित जी इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से शादी शुरू करवाइए ना. अरे मैं जरा हवन की तैयारी तो कर लूं. तो आपको कौन सा बारबेक्यू करना चाहे, डंडियां डालनी, फटाफट फेरे शुरू करवाइए आप. देखिए मैं तो मुहूर्त से ही फेरे करवाऊंगा. आपको अगर ज्यादा जल्दी है तो आप भाग के जाके शादी कर लें. शादी तो तब होगी जब मैं दूल्हे को छोड़ूंगा. तूने दहेज के 2 करोड़ रुपए मांगे थे ना, अब दूल्हा चाहिए तो 5 करोड़ रुपए दे जा. और सुन, कुछ बात करनी हो ना तो मैसेज करना, क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं हूं. अरे दूल्हा भाग गया, पकड़ो उसे. हाँ चल. फिरौती परसों तक आ जाएगी, तब तक तुम दोनों इस दूल्हे का ख्याल रखना. दूल्हा भाग गया. नमस्कार. देखिए ये थीम वेडिंग है, आप सेहरा और शेरवानी पहन लीजिए. आप बेफिक्र रहिए, हम खाना वाना खा के जाएंगे. हम लड़के वालों की तरफ से. आप समझे नहीं, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए. आप समझ नहीं रहे पापा, अगर थोड़ी सी भी देर और हुई ना तो बहुत देर हो जाएगी. चटपटे और टैंगी टेस्ट की बात कर रहा था ना. हाँ. अभी अभी ट्राई करके देखो, बड़ा ही स्वाद है. फटाफट से खाओ और घर चले जाओ, शादी ना बहुत लंबी चलेगी. हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है. हाँ हाँ, हम तो पूरी शादी एंजॉय करके जाएंगे. टेंशन मत लो, रात 12 बजे तक की परमिशन ली है मैंने. गुलाब चंद जी. अरे वर्मा साहब, ये आदमी मेरे 12 बजे आके छोड़ेगा. राम किशन. ओ भाभी भाभी भाभी, पहले हमें तो टिकट ट्राई करो भाभी. इतने माइंड ब्लोइंग टिकट है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा. अरे टिकट विकेट छोड़ो, मैंने भी वहाँ पे किशन को देखा. क्या बात कर रहे हो भाभी. हाँ, और मैंने शिव को और मैंने राम को देखा. ये आप लोगों का वहम है भाभी. कपड़े जेम्स बॉन्ड वाले पहने हुए, 4 गिलास संभाले जा रहे हैं आपसे. हद हो गई यार, पहले से इतनी टेंशन भी पड़ी है, ऊपर से गिलास भी मेरे ऊपर गिरा रहे हैं. अच्छा बताओ कहाँ है वो? नहीं है ना? नहीं. तो फिर भाभी ये ना हेलुसिनेशन की वजह से ऐसा होता है. आप तीनों ने साइंस तो पढ़ी होगी. नहीं. सुपर, फिर तो बहुत अच्छे समझेंगी. हेलुसिनेशन में ना भाभी ऐसा होता है, जब हम किसी आदमी को दिलो जान से प्यार करते हैं तो उसे इस कदर में दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमको हर जगह वही दिखाई देता है. हेलुसिनेशन में ऐसा होता है. अच्छा एक बात बताओ, वो दीपिका के साथ जो आदमी खड़ा है, क्या उसमें आपको अपना पति दिखाई दे रहा है? हाँ. क्या भाभी, आपको एक ही आदमी शिव राम कृष्ण कैसे दिखाई दे सकते हैं भाभी? अच्छा चलो दोबारा देख लो, दिखता है? नहीं, नहीं. तो भाभी हेलुसिनेशन साइंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. आप छोड़ो, आप शादी जॉय करो, मस्त खाओ पियो. ठीक है मैं ना चार्ट का अरेंजमेंट करके आता हूँ. बताओ कौन सी खाओगे, पापड़ी बल्ला? चलो दोनों ही ले आता हूँ. असलम. हाँ. यहाँ पर सब दूल्हे, हम अपना दूल्हा कैसे ढूंढेंगे? अपना दिमाग मत लड़ा, ये सोच कि हम अपना दूल्हा कैसे ढूंढेंगे. आइडिया, सबको तिलक लगाएंगे और उनका चेहरा देखेंगे. कहाँ गया ये? पंडित जी शादी मेरी हो रही है तो आप खुद को क्यों भोग लगा रहे हैं? अबे
देख के तो चल जाइए। तू यहाँ लड्डू खा रहा है? अरे दीपू तुम्हें वहाँ कब से ढूंढ रही है, ठीक है? जा, 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 जा। और आप क्या लड्डू खा रहे हैं? लड्डू खाने आए हैं, शादी करवाने आए हैं आप? कमाल कर रहे हैं आप। तेरी तीनों बीवियां तुझे यहाँ पे ढूंढ रही हैं। जल्दी से शादी करो, निकल यहाँ से। अबे सुन ले, ये कौन था उल्लू का पट्टा? अरे भाई मेरा 4 बार हो चुका। अरे जीजा जी तुम यहाँ शादी में आए हो? हाँ, आप यहाँ कैसे? मैं अपने धंधे की वजह से आया हूँ। एक दूल्हे अच्छा? की फिरौती लिए, लेकिन वो भाग के शादी में घुस गया। पता नहीं किस गधे ने ये थीम बनाई है, सब दूल्हे बने बैठे हैं। अगर वो थीम बनाने वाला मुझे मिल गया ना, तो सबसे पहले गोली मैं उसे मारूंगा। नहीं नहीं भाई, शादी का माहौल है, थोड़ा दिमाग ठंडा रखिए, एंजॉय करिए थोड़ा। जीजा जी तुम जाओ, मैं उसे ढूंढता हूं। जी भाई जाओ, चलो। तुम लोग जाकर गेट पे खड़े हो जाओ ताकि दूल्हा भागने ना पाए। शादी एक है लेकिन दूल्हे बहुत, लगता है आतिशबाजी करनी पड़ेगी, समझे? सब लोग वरमाला के लिए आगे आ जाइए। अरे यहाँ भी लगता है कोर्ट में इनकी शादी नहीं हो पाई। यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है, ये सोच के तो यहाँ घुस नहीं आए। वर वधु अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम स्वस्ति नाये। भैया कोई हिलेगा नहीं, मैं अपने दूल्हे को ढूंढ रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी पगड़ी उतारो, उतारो वरना गोली मार दूंगा। तुम लोग भी उतारो अपनी पगड़ी। कम सुनता है क्या? उतार अपनी पगड़ी, उतार उतार वरना गोली मार दूंगा। उतार बेटा उतार, गोली मार देगा। उतार उतार पगड़ी उतार दे बेटा, उतार वरना गोली मार दूंगा। उतार भाई, दूल्हा मिल गया। उतार उतार भाई, अपना दूल्हा मिल गया। अबे कहां भाग गया था? तुम सब लोगों को तकलीफ हुई इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम लोग सब अपनी अपनी पगड़ी पहनो और शादी इंजॉय करो। पंडित जी शुरू करो, ले चलो इसको। बच गए भाई। हाँ यार। ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा। पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं, एक ही बार में डाल दो ना सर। स्वाहा हरे ओम गणपतये स्वाहा। तुम दूसरी शादी कर रहे हो, वो भी मेरे होते हुए? क्या बात कर रही हो, तुम्हारे होते हुए नहीं मेरे होते हुए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे नहीं मेरे पति हैं। दिमाग तो ठीक है तुम दोनों का, ही इज माई हस्बैंड। व्हाट? एक बात हो गया तुम तीनों का, फिर से मजाक कर रही हो बेटी। ये तीनों वही हैं जिन्होंने मुझे मॉल में अप्रैल फूल बनाया था, ये कह के कि ये इनका पति है। ओ हेलो, ही इज माई हस्बैंड शिव। ये शिव नहीं राम है, मेरे पति। दीपिका नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति है किशन। शट अप। तुम तीनों के तीनों पागल तो नहीं हो गई हो? ये किसी के शिवराम किशन नहीं है, ये मेरा कुमार है। एक मिनट, जो सवाल मैं तुझसे करूं उसका हां या ना में जवाब देना। ये तीनों तेरी पत्नियां हैं? हां या ना? हाँ।
गलतियां कर चुका है और चौथी करने जा रहा था। ये सब करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? तेरे मरने पे मुझे इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। चार चार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। यही सिखाया था मैंने तुझे, यही सिखाया था। मैं हमेशा तुझसे क्या कहती थी, किसी औरत का दिल मत तोड़ना और किसी का घर मत तोड़ना। तूने सबका भरोसा तोड़ दिया, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सबकी 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 सबकी। रुक्मणी बस, बस करो। मैं हमेशा कहती थी मेरा भोलू सबसे भोला है, लेकिन मैं गलत थी। तू तो एक नंबर का धोखेबाज है, धोखेबाज। नहीं माँ, तेरा भोलू धोखेबाज नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम बताओ जूही, हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ देके इस दुनिया से चले गए, उन्होंने एक बार भी पूछा कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा है या नहीं? और तुम मंजलि, तुम तो खुदकुशी करने जा रही थी ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारे भाई ने बंदूक की नोक पे जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। किसने किया धोखा? और तुम सिमरन, तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखे से मंडप में भेज दिया है, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम तो हवन में कूद के जान देने वाली थी ना, मरने देता तुमको। तुम्हारी जान बचाने के लिए अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो क्या धोखा किया मैंने? हाँ, एक गलती मैंने की है मां, कि मैंने इन तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर बताता तो ये अपनी जान दे देती। और तू ही बता मां, जिनकी जान मैंने खुद बचाई हो, मैं उनकी जान कैसे ले सकता था? अगर मैंने किसी के साथ धोखा किया है तो तुम्हारे साथ दीपिका। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी तीन तीन शादियां हो चुकी हैं, और तुम्हें बताओ मैं क्या करता। हादसों को भुलाते हैं लोग, लेकिन मैं हादसों को निभाता रहा। मुझे नहीं चाहिए थे तीन तीन घर, पर मैंने सोचा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो इन लोगों के साथ भी हुआ है, इनका भी कोई कसूर नहीं है। अरे मैं तो एक ही घर बसाना चाहता था, एक ही तो प्यार था मेरा, तुम दीपू, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कभी किसी औरत का दिल मत तोड़ना, कभी किसी का घर मत तोड़ना। तेरे इस एक वचन को निभाने के लिए तेरा भोलू शिवराम किशन तीन तीन हिस्सों में बट गया मां। घड़ी से भी तेज चला हूं मैं, ताकि सबको वक्त दे सकूं, सबको खुश रखा। सुबह निकलने से पहले सबको अपना चेहरा दिखा के जाता था, ताकि सारा दिन इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे मां। सबको खुश रखने की कोशिश की मैंने। पूछ इनसे मां, पूछ कि जितने भी पल जिसके भी साथ जिया, ईमानदारी के साथ जिया कि नहीं जिया, अगर इतनी से भी बेईमानी की हो किसी के साथ, पूछ इनसे मां, अगर इनको ठुकरा के और इनका घर तोड़ के अपना घर बसाता ना मां, तो ना तू खुश होती ना भगवान खुश होता मां। अगर तुझे फिर भी लगता है ना तेरा भोलू गलत है, तो तुझे जो सजा देनी है दे दे मां। तूने मुझे जन्म दिया है मां, मारते मारते तू ये वापिस भी ले लेगी ना, तो तेरा भोलू कुछ नहीं बोलेगा मां, तेरा भोलू कुछ नहीं बोलेगा। क्या सोचा है दीपू बेटा? जो इंसान हादसों को प्यार कर सकता है, उसके प्यार के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए। Thank you.
चारों भले ही अलग अलग फ्लोर पे रहे लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर लिया। वो तो है यार। करण मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे साथ कॉमेडी हुई है या ट्रेजेडी? भाई कॉमेडी मान ले, डाइजेस्ट हो जाएगी। और वैसे भी अब तेरे को किस बात का डर है यार, एटलीस्ट सबको पता तो चल गया तेरी चार शादियों के बारे में। बात तो तेरी ठीक है लेकिन ये बात अगर टाइगर भाई को पता चल गई ना तो सीधे गोली मारेगा, उसको कॉमेडी समझ में नहीं आएगी। टाइगर भाई इनके माथे पे लिखा है किसी की नहीं सुनते, इनकी तो मेडिकल रिपोर्ट में भी यही लिखा है। हाँ आए। अरे टाइगर भाई कैसे हैं आप? ये है मिस्टर दारूवाला, ये तुम्हारा हाथ देखकर बताएंगे कि बच्चा कब पैदा होगा। कमाल है, साइंस तो सोनोग्राफी देखकर बताती है, आप हाथ देखकर बता देंगे? जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, अगर वो अच्छा होगा तो ही बच्चे होंगे ना। लाइए हाथ लाइए। हे भगवान। क्या हुआ, नंगा हाथ पहली बार देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको चार शादियों का योग है। चार बच्चे? अरे ये तो अच्छी बात है। चार शादियां? चार साल लगेंगे। अरे यार इतना वक्त तो लगता ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादियां चार चार 400 रुपए चाहिए आपको, वो मिल जाएंगे। चलो इनको वहाँ ले जाओ जहाँ से लेकर आएंगे। चलो जाइए। चार शादियों का योग है, ये सुनते ही। देखो इन्होंने कहा कि चार बच्चे होंगे लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दो ही बच्चे अच्छे हैं। भाई इसकी चार बीवियां हैं, पर बीवी दो बच्चे पकड़ के चलो ना तो आठ तो पक्के हैं। आठ नहीं, 9 महीने में बच्चा डिलीवर होना चाहिए वरना बच्चा कमजोर पैदा होता है। साइंस नहीं पढ़ा तुमने? लगता है आप भी 7 महीने में ही बाहर आ गए, 2 महीने और टिक जाते तो दोनों कान भी साथ में आ जाते। अरे यार तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मामा एक है लेकिन अरमान बहुत। ओ साहिब मुबारक हो, साहिब मुबारक हो, मुबारक हो, मेनी मेनी कांग्रेस, खाओ मिठाई। किस खुशी में? अरे इन्होंने तो बुलाया नहीं लेकिन मैं तो मिठाई बांटेगी ना, मेरी साहिब की चौथी शादी की खुशी में। अरे इससे भी पता चल गया चार बच्चों के बारे में। क्या साहिब आपके चार बच्चे भी हैं? अरे नहीं नहीं गलत समझ रही है तू। क्या साहिब बीवियां छुपाई तो छुपाई, चार बच्चे भी छुपाए? रुको अब मैं सबको बताएगी। मैडम मैडम ए चंपा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुन तो, खुद जा रहा है मिठाई बांटने के लिए, बच्चे की खुशी ही ऐसी होती है। तुम शादी कब कर रहे हो? भाई मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम लॉयर हो लेकिन शादी तो तुम करोगे ना? मेरी एक मुंह बोली बहन है जिसने शादी के बारे में बोल बोल के मेरे कान पका दिए, लेकिन देखो आज उसे भी एक दूल्हा मिल गया। अच्छा कौन है वो? तुम। मैं? बधाई हो। देखा हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, दुआ करें कि हादसे में किसी की शादी ना हो। सामने वाले का क्या जाता है, एक लड्डू ही तो लगता है। जींस को अपना स्टाइल बना ले, डांस कर ऐसा, रिकॉर्ड सारे तोड़ दे, वायर को खींच ले, स्पीकर को फोड़ दे, चश्मा लगा के तू हीरो लगेगा। ए बच्ची बजना, डीजे बजेगा तो रहने
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.